So, good morning everyone. So, welcome करता मैं आपका इस ट्रेनिंग में तो so, हो चुकी है है अभी अभी कुछ बहुत सारे ऐसे होंगे होंगे जो रह चुके ना आए नहीं होंगे तो so, आप जल्दी से अपनी टीम्स को कॉल कर लो क्योंकि आज का जो टॉपिक है इन्विटेशन और रिक्रूटमेंट का बेसिकली अभी कुछ सो so, वेलकम है जी आपका सभी का एक बार फिर से होप करता हूँ सारे पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ जुड़ चुके होंगे सारे सबका वेलकम करता हूँ जो आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को सुन रहा है फर्स्ट टाइम मेरे को सुन रहा है ना तो आप सभी का वेलकम है जी तो अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ नाम मेरा विनय भद्वाज है और आज से तीन सवा तीन साल पहले मैं भी आप ही की तरह इस बिजनेस को समझने आया था मैं उस टाइम पे एक स्टूडेंट था और स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और अगर आज की मैं बात करूँ शॉर्टकट में अगर मैं बात करूँ तो एक मैनेजर काम कर रहा हूँ जो कि ड्रीम लेवल होता है यहाँ पर सभी का तो मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ और मिलेर क्वालिफाई कर चुका हूँ फॉर एवर मैं ठीक है जी 2020 2021 में मैगजीन में एक इंटरनेशनल मैगजीन होती है फॉर एवर की उसमें मेरा नाम आया था ठीक है जी और आज के टाइम पे अगर बात करूँ तो खुद तो मैनेजर मैं हुआ ही हुआ टीम में सिक्सटीन मैनेजर्स मैं बना चुका हूँ ठीक है जी सो मेरी जर्नी यहाँ पे मेरी टोटली यहाँ पे लाइफ चेंज हुई है ना मैंने फॉर एवर स्टार्ट की स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ मैं भी एक कॉलेज में पढ़ता था रियात बरा यूनिवर्सिटी मोहाली में मैं पढ़ता था वहां पे तो जब मैंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया तो उस टाइम पे नहीं पता था कितनी आगे आ जाएंगे बट हाँ एक उम्मीद के साथ एक बिजनेस को स्टार्ट किया था कि अपनी लाइफ जैसी लाइफ चल रही है वैसे ही लाइफ को टोटली चेंज करना क्योंकि चंडीगढ़ में जब स्टडी करते थे तो काफी सारे ड्रीम स्टडी के साथ साथ ड्रीम तो पहले ही थे बट स्टडी जब चंडीगढ़ जैसे शहर में जब हम आए वहां पे मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया तो ड्रीम्स हो ज्यादा हाई होना स्टार्ट हो गए है ना तो इतना समझ आ चुका था कि नॉर्मल अगर मैं काम करूंगा नॉर्मल अगर मैं जॉब करूंगा स्टडी कम्पलीट करके तो उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है मार्केट में बीस से पच्चीस मिलेगा वो भी तब अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो ठीक है तो यही सोच सोचते कुछ ढूंढना स्टार्ट किया पार्ट दूरना तो फॉर एवर मेरी लाइफ में आई ठीक है जी और जो मैं आपको बता चुका हूँ अचीव कर चुका हूँ बहुत अच्छी कार यहाँ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ फॉर एवर की बदौलत आप देख सकते हैं फोटो आपके सामने है तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का टॉपिक जो है मैं वो स्टार्ट करता हूँ ठीक है जी तो मेरा टॉपिक जो आज का है वो है जी इन्विटेशन का ठीक है इनविटेशन तो तो रिक्रूटमेंट का आप सभी को मैं ये एक चीज बोलना चाहता हूँ जितने भी मेरे आ, मेरे को सुन रहे हैं अभी और मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे जितने भी पर्सन हो आप सारे तो जो आज सीखने के लिए आया इस ट्रेनिंग में सबसे पहले अपने पास डायरी पेन जल्दी से रख लें क्योंकि मैं आपको अपने पिछले तीन सवा तीन साल का तजुर्बा तो बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और कैसे मैंने इनविटेशन इन्विटे, को सीखा क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था ट्रेनिंग्स लगाई मैंने भी ट्रेनिंग से सीखा सीखा कुछ अपना तो है ना तो वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस बिजनेस में किस तरीके से आप इन्वाइट कर सकते हो और किस तरीके से आप इस बिजनेस को है ना इस बिजनेस में पर्सन रिक्रूट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो ठीक है सो स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले जब आ, हमें इनवाइट इन्विटे, करना है जो हमें किसी पर्सन को तो इनवाइट किसको करना है सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए ठीक है अगर हमारे पास लिस्ट नहीं होगी तो हम कभी भी आ, हम किसी को इनवाइट नहीं कर पाएंगे जब हमारे माइंड में जो दो चार नाम चल रहे होंगे जब हम इस बिजनेस को देखते हैं हम एक्साइटेड हो जाते हैं हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ जी अगर हमें काम जब समझ आता है तो हमें आगे बढ़ना लाइफ में हमें हमें बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट करना है तो उस टाइम पे हमारे माइंड में जो भी दो चार नाम पांच सात यार दोस्त इनके साथ हम डेली हैं क्योंकि अब डेली हम पचास सात लोगों से तो मिलते नहीं है बट वही दो चार यार दो दोस्त हमारे करीब होते हैं फ्रेंड्स रिलेटिव करीब होते हैं तो उनको हम बिजनेस प्लान इन्वाइट करने के लिए इन्वाइट कर लेते हैं बिजनेस प्लान बताने के लिए है ना तो वही चीज है अगर हम हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट होगी तभी हम अच्छे से इनवाइट लगा पाएंगे तभी हम किसी को इस अपॉर्चुनिटी uh, के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से इनवाइट करके इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना सीखना है इन्विटेशन से जरूरी क्योंकि इज पॉसिबल वी हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल हुम टू हमें इन्वाइट करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब हम हमारे पास एक बहुत अच्छी लिस्ट होगी तो पहले लिस्ट बनाना सीखते हैं कि, कि किस तरीके से हमें इस बिजनेस में लिस्ट बनानी है ठीक है जी सो so, सबसे बड़ी चीज जो लिस्ट जो बिल्डिंग होती है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कोर पार्ट ऑफ अ बिजनेस है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने आउट ऑफ बिजनेस होते देखा है बहुत सारे लोग आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है ठीक है क्योंकि जैसे ही कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर सीरियसली बिजनेस बिल्ड करना है तो फिर आपके पास एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे से एक लिस्ट होनी चाहिए जिस जिससे आप स्टेप बाय स्टेप है ना अपने पर्सन को इन्वाइट कर सको स्टेप बाय स्टेप आप उनको बिजनेस में लेके आ सको ठीक है तो और अगर आपने सबसे सबसे बड़ी बात लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि अगर आपके ड्रीम रियल हैं अगर आपने सच्ची बहुत बड़े ड्रीम्स को देख के अपने सीनियर्स का लाइफस्टाइल स्टाइल देख के अपना जो भी आपको दिखाई गई होगी अचीवमेंट टीम फाइव सिक्सटी फोर में कितनी तगड़ी अचीवमेंट्स हैं वो सारी आपको जब दिखाई गई है ना तो वो अचीवमेंट को देख के अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आप भी सेम चीजें वैसी करना चाहते हो तो सबसे बड़ी चीज जो आगे मैं आपको दस पॉइंट बताने वाला हूँ लिस्ट मेकिंग में उस पर आपको ध्यान देना है और उसको नोट करना उसको अप्लाई करना ठीक है जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज इंक्लूड एवरी आपको सभी को इंक्लूड करना है ठीक है जी कई बार जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हम थोड़े चूजी हो जाते हैं ठीक है जी हम थोड़ा सा प्रीजज करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये पर्सन आएगा ये पर्सन नहीं आएगा इसको मुझे बुलाना है इसको मुझे नहीं बुलाना है ना तो सबसे पहले हमें हमें सबको इंक्लूड करना है क्योंकि होल सिटी इज योर मार्केट जहां पे आप रहते हो ना हर एक पर्सन अपनी लाइफ बनाना चाहता है हर एक पर्सन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है नो no डाउट क्या पता वो स्टूडेंट हो सकता है है ना क्या पता वो जॉब uh, कर रहा होता है क्या पता उसकी खुद की शॉप हो एट द एंड आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जो हमारा जो भी हमारा इस दुनिया में पर्सन है जो भी पर्सन है हमारे यहाँ पे हमारे आगे पीछे रहते हैं हमारे एरिया में हमारे सिटी में हमारी सोसाइटी में है ना तो वो कुछ ना कुछ इसलिए बाहर निकलते हैं काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक बहुत अच्छी जिंदगी चाहिए और अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल यहाँ पे डन किया तो ऑब्वियसली बात है आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि हाँ यहाँ से अपनी लाइफ को मैं बहुत तगड़े लेवल पे लेके जा सकता हूँ तो वही विजन आपको जब किसी एक पर्सन को ट्रांसफर करना है ना क्योंकि हम जज नहीं करना क्योंकि हमने इस बिजनेस को पहले समझा है अंडरस्टैंड किया है तभी हमने सारा फैक्ट एंड फिगर को समझ के असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल किया है तो असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के बाद हमें वो माइंडसेट मिला है कि हम इस बिजनेस को आगे बढ़ सकते हैं वही माइंडसेट हमें उनको दिलवाना है जो हमारे लिस्ट में आते हैं जो हमारे रिलेटिव्स नेबर्स फ्रेंड्स होते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना अगर वही तजुर्बा जो आज आपके पास है जो वही नजरिया आपके पास है जो दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं अगर वही नजरिया जो आपके पास है आज फॉर को लेके वो नजरिया जब आप उनको ट्रांसफर करोगे डेफिनेटली वो भी अपनी लाइफ यहां से बनाना चाहेंगे ठीक है जी तो सबसे पहले होल सिटी इज यट पूरी सिटी आपकी मार्केट है आप friends जितने भी आपके यार दोस्त हैं आप देखो बचपन से स्टार्ट हो जाऊ आपने फर्स्ट स्टडी करी होगी चाहे तो प्री नर्सरी से आपने स्टार्ट करा होगा स्कूलिंग है ना फिर आपने टेंथ तक स्टडी की होगी शायद आपने टेंथ तक एक स्कूल रखा होगा फिर हायर सेकेंडरी के लिए आप दूसरे स्कूल में आपने चूज किया होगा है ना उसके बाद जो भी फ्रेंड्स आपके हैं जिनके साथ आप बेंच पे बैठते थे वो सारी चीजें जो सारे फ्रेंड्स की लिस्ट आपने पहले लिखना स्टार्ट करनी है ठीक है हर एक पहले फ्रेंड्स को लेके जितने भी यार दोस्त हैं आपके फिर उसके बाद रिलेटिव आते हैं ठीक है जी मामू का बेटा मासी का पूरा आप लेके देख सकते हो पूरा देख पूरा एनालाइज करके आप उनका नाम लिख सकते हो ठीक है जी फिर स्कूल फ्रेंड्स आते हैं उसके बाद ठीक है जी उसके बाद हमारे कॉलेज फ्रेंड्स आ जाते हैं फिर आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट करी होगी बीटेक स्टार्ट की होगी एमबीए स्टार्ट की होगी है ना वो सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के नाम आपने एक डायरी पे लिखने हैं ठीक है जी उसके बाद नेबर्स आ गए आपकी सोसाइटी में है ना तो सभी के नाम आपने वन बाय वन करके एक अच्छी डायरी लेके ठीक है सबसे पहले आपने डायरी अच्छी लेनी है क्योंकि लिस्ट अगर आप एक डायरी पे बनाओगे प्रोफेशनल डायरी पे बनाओगे तो वो ज्यादा देर तक आपके पास रहेगी क्योंकि अगर हमने नॉर्मल कॉपी पेन पे जो ऑलरेडी कॉलेज के साथ यूज की हुई है आदि मतलब रफ हो चुकी हैं अगर उसके पीछे लिस्ट बनाना स्टार्ट हो गए तो वो आपको पंद्रह के दिन के बाद कॉपी भी नहीं मिलेगी और आपकी लिस्ट भी गायब हो जाएगी अगर आप इतनी मेहनत करके लिस्ट बनाने ही लगे हो क्योंकि लाइफ में एक बार लिस्ट बनानी होती है बार बार बनानी तो होती नहीं है ठीक है तो एक ही बार में आप जब लिखना स्टार्ट करो तो एक अच्छी सी पहले डायरी परचेज करो ताकि हार्ड से जो इतनी जल्दा, जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो ठीक है वो वैसे ही आप डायरी लेके ठीक है लिस्ट बनाना स्टार्ट करो और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो मैं ये आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करना जरूरी है ठीक है जी कई पर्सन होते हैं हाँ ठीक है बढ़िया सुन लेते हैं बट अप्लाई नहीं करते बट अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो ये जो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही है इनका कोई फायदा नहीं है ठीक है जी सो ये चीज है सेकेंड स्टेप आपको क्या फॉलो करना है सेकंड स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि चेंज योर परस्पेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग ठीक है जी बहुत सारे दोस्त होते हैं बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स जो नए इस बिजनेस में आते हैं ठीक है अभी इतनी ट्रेनिंग्स लगाई नहीं है न्यू new न्यू इस बिजनेस में है, दस दिन हुए हैं पंद्रह दिन हुए हैं तो सबसे पहले लिस्ट बनाने में हम डरते हैं हम सोचते हैं कि यार कि ही हो जाते हैं कि ये पर्सन ये जो, जो है ये मेरे बिजनेस के लिए सही नहीं है बट हमारी जो थिंकिंग है हमें उसको चेंज करना है क्या पहले हम अगर खुद सेटिस्फाई हम नहीं होंगे तो हम किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते लाइफ में जहां हम खुद को अगर हमें पता नहीं होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं हम कभी भी वो विजन अपना विजन जो है किसी अगले पर्सन के सामने ट्रांसफर नहीं कर सकते तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या हमारा यहाँ पे सेलिंग का काम है पूरे फैक्शन एंड फिगर के साथ समझो क्योंकि सेलिंग सेलिंग आपको ये भी पता है कि इस बिजनेस में आ, सेल नहीं होगी क्योंकि बिजनेस वही होते हैं जहां पे सेल्स होती है कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पे सेल ना हो रही हो हर कोई बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा है बिजनेस में ठीक है तरह तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो खाने पीने के सामान ले लो है ना पहनने का सामान ले लो तो हर जगह बिजनेस में ये सारी चीजें होती है तो सेलिंग तो होती होती है बट हम यहाँ पे डोर टू डोर सेलिंग नहीं कर रहे ये आपको बता होना चाहिए कि बैग आपने बैग उठा के है ना कहीं मार्केट में जाके दरवाजे खड़का के अपना सामान यहाँ पे नहीं बेचना हमने यहाँ पे प्रमोशन का काम करना

अभी मैं उसको इनवाइट नहीं कर रहा हम उसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहे मेरे कहने का यह मतलब है तो हमें पहले इस को चेंज करना सेलिंग टू शेयरिंग हमने जस्ट शेयर करना है वो इस बिजनेस को करे इस प्रोडक्ट को यूज करे या ना करे बट हमारी ड्यूटी है हमें हासिल करनी है हमें मेहनत करनी है कि वो उस पर्सन को तक हम पहुंच के अपना आइडिया शेयर कर सके चाहे अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आता है प्रोडक्ट यूज कर सकता है या उसको प्लान पसंद आता है तो वो प्लान के साथ ज्वाइन करके हमारे साथ आगे बिजनेस को बढ़ा सकता है ठीक है तो पहला परसपेक्टिव ये चेंज करना कि हम सेलिंग नहीं कर रहे हैं शेयरिंग कर रहे हैं और शेयरिंग से भी ज्यादा जब आप इसको आस्था आस्था हौली होली जब आप इस बिजनेस को आगे बढ़ते जाओगे ना तो आपको ये बिलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा जहां जब आपको रियलिटी समझ आएगी कि हम शेयरिंग भी कर हैं बट शेयरिंग के साथ साथ हम सर्विंग भी कर रहे हैं सर्विंग किस हिसाब से देखो एक सिंपल सी बात है कि हमें हम जब इस बिजनेस में आते हैं अगर मान के चलो कोई एक पर्सन है मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ अगर मान के चलो कोई एक पर्सन है जो आ, बहुत देर से प्रॉब्लम में है ठीक है ना बहुत सारी दवाइयाँ उसने खाई हैं बहुत सारे इलाज वो करवा चुका है जगह जगह से बट उसको मतलब फर्क नहीं हो रही बट अगर हमने इस बिजनेस में आके ठीक है जी अगर हमने कुछ प्रोडक्ट्स उसको शेयर करें जो हमने नॉलेज लिया हमें हमारे सीनियर ने बताया ठीक है हमने नॉलेज लिया हमने शेयर किया उसको ठीक है तो उस प्रोडक्ट को यूज करने से अगर वो हेल्दी हो गया ठीक है जी उसके जो प्रॉब्लम्स थी जो चैलेंजेस उसको हेल्थ चैलेंजेस थे वो ठीक हो गया उस चैलेंजेस से तो वो आप सोचो कि हम भला कर रहे हैं यहाँ पे भलाई का काम कर रहे हैं पैसा तो हम यहाँ पे कमा ही रहे हैं हैं बिजनेस तो हम यहां पे कर ही रहे बट एक सेवा भी एक प्रकार की आप कह सकते हो हम सेवा यहाँ पे कर रहे हैं दूसरी चीज दूसरे परसपेक्टिव से अगर मैं बात करूं अगर कोई पर्सन हमारे साथ आता है हमने उसको लिस्ट में शामिल किया हमने उसको इन्वाइट किया बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रेजेंटेशन करी उसकी और वो उस बिजनेस को स्टार्ट करता है और बिजनेस को स्टार्ट करने के ठीक एक साल के बाद डेढ़ साल तक आपके साथ वो मेहनत करता है और डेढ़ एक साल के बाद वो बंदा यहाँ से एक लाख रुपया कमाना स्टार्ट कर देता है अपनी एक सेल्फ मेड कार यहां से बाय कर लेता है तो आप खुद सोच के देखो कि या, क्या ये भलाई का काम नहीं है तो हमें अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग है ना उसको एक साइड पे रख के अपनी लिस्ट को तैयार करना अगर जैसा मैंने आपको बताया अगर आप इस तरीके से सोच के अपनी लिस्ट बनाओगे ना तो मैं हंड्रेड परसेंट कह सकता हूं आप कभी भी लिस्ट बनाने में डरोगे नहीं और आप कभी भी लिस्ट को इस तरीक, इस तरीके लेवल पर नहीं सोचोगे कि उसको डालना है उसको नहीं डालना आप हर एक बंदे को इसमें इंक्लूड करोगे ठीक है क्योंकि आप यहाँ पे सोच सकते हो कि भगवान ने आपको चूज किया है कि आप यहाँ पे खुद तो पैसा कमाओ कमाओ बट जिनको भी आप शेयर करोगे क्योंकि यार मैं आप सिंपल सी बात बताता हूँ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज मेरी टीम 16 मैनेजर्स काम कर रहे हैं ना तो 16 मैनेजर्स आज कोई 60,000 से लेके तीन तीन सवा सवा तीन तीन साढ़े तीन दिन लाख रुपया कमा रहे हैं तो वो क्या सोचते होंगे एक टाइम पे मैंने खुद के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था कि मैं जहां से 60 सत्तर हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर जाऊं तो ये मैंने खुद के लिए स्टार्ट किया था बट मेरे साथ साथ जिनको मैंने शेयर किया है ना तो आज वो भी पैसा कमा रहे हैं तो इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती है भगवान ने हमें एक चूज किया है यहाँ पे एक रोल दिया है कि आप खुद भी पैसा कमाओ और दुनिया में भी भलाई का काम करो ठीक है जी और जनरेशन प्लान है यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ अपने लिए सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे कि हाँ मुझे पैसा कमाना है मुझे एक डेढ़ लाख पहुंचना है दो तीन चार लाख कमाना है और फिर गाड़ी लेनी है ये हमारा जो फॉर बिजनेस प्लान है ना ये एक जनरेशन प्लान है आपकी तीन पीढ़ियों तक की ये ट्रांसफर होता है ये हमारा जो प्लान है अगर आपने अच्छे से प्लान को समझा होगा तो हम मेहनत जो आज कर रहे हैं ना ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हम अपने पूरी तीन पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं ठीक है जी तो उस तरीके से लिस्ट बनाएं कि ऐसा काम करें कि हमें आज से 20 साल के बाद 30 साल के बाद रिग्रेट ना हो कि यार वो पर्सन को भी मैं ऐड कर सकता था क्योंकि आज नहीं तो कल क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं ना मार्केट में कि आज नहीं तो कल वो पर्सन को किसी ना किसी ने प्रेजेंटेशन देनी देनी है अगर उसने जो उसको चाहिए इस बिजनेस से ठीक है जी वो उसको टच कर गई बात किसी और पर्सन के थ्रू जो आपके थ्रू हो सकती थी फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि हाँ यार ये मेरी टीम में मैनेजर हो सकता था बट ये किसी और की टीम में मैनेजर हो गया ठीक है तो इसीलिए किसी को प्रीज ना करके अपना एटीट्यूड को चेंज करके प्रॉपर तरीके से लिस्ट तैयार करें ठीक है तो थर्ड चीज जो मैंने पहले ही आपको बताई कि मेक योर लिस्ट इन डायरी हमेशा डायरी में लिस्ट बनानी है जो ये बातें मैंने पीछे आपको बताई इसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत अच्छी आपके पास डायरी होनी चाहिए प्रोफेशनल डायरी होनी चाहिए लोग मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको पता ही है फॉर एवर के बिजनेस चले जाएं तो जो ट्रेडिशनल होते हैं लोग वहां पे आ, कितना कितना पैसा लगाते हैं लाखों रुपया लगाते हैं करोड़ों रुपया लगाते हैं तो हम यहाँ पे कई बार आलस कर देते हैं क्योंकि ये आ, मेरी हर किसी बंदे की स्टोरी है स्टार्टिंग में क्योंकि बंदा चाहता है कि मेरा बिल्कुल कुछ ना लगे और मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए मसा मसा अः मतलब अभी अभी तो मैंने अः किया है है ना पैसे लगा दिए हैं तीस चौतीस हजार का बिजनेस किया है ना तो मुझे शायद पैसे तीन सौ चार सौ की डायरी मुझे महंगी लग रही होगी बट अगर आप मार्केट पे कंपेयर करो लोग लाखों लग रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको भी तीन सौ कम से कम चार पाँच सौ रुपए की डायरी आपके पास होनी चाहिए जो एक प्रोफेशनल लगे हार्ड कोर हो जो कभी खराब ना हो है ना तो उस और ए शॉर्ट पेंसिल इज मच बेटर देन लॉन्ग मेमोरी तो आपको डायरी पे लिख के और लिखोगे ना तो आपके साथ वो परमानेंट रहेंगे और आप कभी भी आपको आप उसको ट्रैक कर सकते हो हाँ, इसको दीदी, इसको प्रेजेंटेशन मैंने बुलाया ये अभी नहीं दो दिन के बाद बोल रहा है तीन दिन के बाद बोल रहा है तो आप अकाउंटेबिलिटी भी बहुत अच्छी सकते कर सकते हैं अगर डायरी का यहाँ पे बोला जाता है कि जो डायरी होती है ना वो आपकी यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट होती है ठीक है जी तो आप उसको एज अ पर्सनल असिस्टेंट यूज कर सकते हैं और जब आप डायरी पे नाम लिख दोगे है ना कई बार हमारे सीनियर बताते हैं कि कई बार क्या होता था कई बार जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं लिस्ट बनाते हैं ट्रेन की पर्ची के पीछे है ना बस की पर्ची के पीछे फिर पर्चियां भी गायब हो जाती हैं लिस्ट भी गायब हो जाता है और बिजनेस भी गायब हो जाता है तो जब आप डायरी पे उसको लिखते हैं तो आपके माइंड में जो भी चार पांच नाम चल रहे हैं पंद्रह नाम चल रहे हैं जो आपने लिख डाले फिर वो दोबारा दिमाग में नहीं आएंगे क्योंकि वो आपने लिख लिए फिर नए 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 नाम आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे इससे आपकी लिस्ट जो है इनक्रीज होना होते सोते आगे बढ़ती जाएगी ठीक है जी उसके बाद जो अगला स्टेप है लुक फॉर द पीपल हु आर बिग ड्रीमर देन यू ठीक है जो आपसे बड़े ड्रीमर हैं कई बार हम क्या करते हैं हम लिस्ट बनाने में ये भी गलती करते हैं हम जो हमारे से थोड़ा सा तेज पर्सन होता है ना हम उसको इंक्लूड नहीं करते हम डरते हैं स्टार्टिंग में हमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है यार ये पता नहीं कौन सा सवाल पूछ लेगा शायद ये पता नहीं कैसे है न क्या बोल देगा तो आप अगर अपने से बेटर पर्सन को इस लिस्ट में इंक्लूड करोगे और उनकी प्रेजेंटेशन करोगे ना तो आप अपने ड्रीम्स को फास्ट अचीव करोगे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया आप यहाँ से एक वरना लेना चाहते हो ठीक है ठीक आपने, आपने आपने है, है, तो है जो जो कहता है कि मैंने पच्चीस तीस लाख की मैंने जीप कंपस गाड़ी बाई करनी है मैंने टाटा है जब मैंने एक बड़ी फॉर्चुनर गाड़ी बाय करनी है तो वो जो पर्सन होगा अगर वो बड़ा ड्रीमर होगा आपसे तो वो आपके साथ मिलकर उतने ही

फास्टर करोगे ठीक है और अपने से स्लो बंदों बंदों को को कई बार क्या होता है जिस बंदों को हम समझा सकते हैं हैं जो हमसे भी स्लो होते हैं, हम उनको चूज कर लेते हैं फिर आप स्लो चूज करोगे उतनी ही स्लो मैंने यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि स्लो बंदा कामयाब नहीं होता हो सकता है लेकिन फिर वो टाइम ले लेगा तो अपने आपके ड्रीम्स पूरे होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो हमेशा उन पर्सन को चूज करें फर्स्ट प्रियोरिटी प्रेजेंटेशन करें जो ऑलरेडी मतलब थोड़े से स्किलफुल हैं ताकि जब उनको इस बिजनेस में समझ आए तो वो अपने तरीके से काम करके अपने बढ़िया तरीके से और फॉर एवर की नॉलेज लेके टीम फाइव सिक्स की नॉलेज लेके आपके साथ बढ़े और वो बिजनेस को बहुत तगड़े लेवल पे लेके जाए ठीक है जी और हो सके तो अपनी जो लिस्ट है वो अपनी फैमिली के साथ बनाए क्योंकि वो आपको सजेशन दे सकते हैं वो आपको बता सकते हैं कि हां जी ये पर्सन को आप बता सकते हो है ना बहुत सारे लिस्ट एक्सपैंड हो जाएगी क्योंकि आपका सर्कल आप ही आपके तक है जो आपकी फैमिली हो सकता है आपके सिस्टर और घर में बड़े है ना जो आपके मम्मी हो पापा हो है ना जहाँ आपके छोटा ब्रदर है या बड़ा ब्रदर है ठीक है वो कोई जॉब कर रहा है कुछ कर रहा है वो इस बिजनेस में नहीं है तो अगर आप उनसे सलाह लोगे तो आपका सर्कल तो होगा ही दो तीन सौ पर्सन का बट वो भी अपना सर्कल आपको अपनी लिस्ट में इंक्लूड करके दे देंगे जिससे आपकी लिस्ट बड़ी होती जाएगी और हो सकता है जिस जिस बंदे का नाम आपको याद नहीं आ रहा बट आपको फेस याद आ रहा है तो आप उनको उसके मतलब बता के थोड़ा सा तो वो आपको उसको गेस्ट करने में हेल्प करेंगे जिससे लिस्ट और आपकी बड़ी होती चली जाएगी ठीक है जी और सबसे बड़ी स्लाइड और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, हम हैं, यार ये बंदा ना ऑलरेडी रिच है इसके पास तो पहले ही बहुत पैसा है ये क्या वर करेगा है ना बट हो सकता है उसके पास पैसा हो बट पीस ऑफ माइंड ना हो।, हो सकता है उसके पास पैसा हो बट उस पैसे के लेके उसको लेके सिक्योरिटी ना हो।, हो सकता है उसको टाइम ना मिलता हो है ना क्योंकि आपको पता है फॉर एवर लिविंग में ये सारी चीजें मिलती हैं और मार्केट में जो भी जॉब है या कोई बिजनेस है उसमें ये चीजें प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती तो हो सकता है उसका कुछ और रीम हो है ना हो सकता है उसके पास ऑलरेडी वरना कार हो बट वो बीएमडब्ल्यू लेना चाहता हो तो आपको प्री जज नहीं करना ठीक है कई बार हम सोच लेते हैं ऑलरेडी गुड जॉब है बंदे के पास है ना ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है यहाँ पे आपको मैं बता दू बहुत सारे फॉरवर में ऐसे पर्सन भी हैं जिन्होंने जिनको जिन्हों जॉब करते करते बहुत अच्छी जॉब करते थे मनदीप सर की अगर बात करें जो हमारे मेंटोर हैं है ना मोस्ट सीनियर मेंटोर हैं है ना मनदीप सर तो उन्होंने भी वो भी एक जॉब कर रहे थे अगर सोच के देखो उनको कोई अप्रोच ना करता उनको बोलता यार ये बंदा ऑलरेडी एक बहुत अच्छी में दो हजार में वो बंदे है ना डेढ़ लाख रुपया कमा रहे थे तो अगर उनको कोई अप्रोच ना करता फॉर के बारे में नहीं बताता तो शायद आज इतना तगड़ा एम्पायर खड़ा नहीं होता बट उन्होंने क्या किया उनकी जो अपलाइन थी नंदा सर थे उन्होंने प्री जज नहीं किया उन्होंने बताया उनको बिजनेस के बारे में और आए आप देख सकते हो हिस्ट्री बन चुकी है कितने ही टीम्स कितने ही हजारों लोग मैनेजर हो चुके हैं कारें कितनी टीम निकल चुकी हैं बीच में से है ना तो ये चीज है तो कभी भी प्री जज नहीं करना क्योंकि नीचे एक लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर समथिंग बट वी डोंट नो हु हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं ठीक है जी ध्यान से समय ना हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कुछ करने के लिए बाहर मार्केट में ढूंढ रहे हैं बट हमें ये नहीं पता कौन क्या ढूंढ रहा है ठीक है ना तो हमें हमें हर एक पर्सन को बताना है क्या पता है किसकी क्या वाय हो किसने क्या करना हो लाइफ में अगर उसके अकॉर्डिंग उसको बिजनेस समझ आ गया तो बिजनेस में वंडर कर सकता है जिससे हमारी हमारा जो बिजनेस है वो और नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है ठीक है जी उसके बाद बात करता हूँ तो लिस्ट आपको ऐसे चलते फिरते नहीं बनानी है लिस्ट आपको कैसे तैयार करनी है आपको सबसे पहले एक हावर ऑफ पावर मतलब एक घंटा या दो घंटे आपको ऐसे निकालने हैं जहाँ पे आप अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दोगे है ना कई बार क्या होता है डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है हम लिस्ट बनाने बैठते हैं तो दो पंद्रह मिनट बैठते हैं फिर हमें कोई काम आ जाता है जो जा हमें कहीं जाना पड़ता है जहाँ हमें घर वाले बुला लेते हैं ठीक है तो हमें पहले अपना टाइम निकाल के स्पेशल टाइम निकाल के क्योंकि स्पेशल चीज हमारे बिजनेस में चार ही चीजें मेन होती हैं ठीक है जी लिस्ट इनवाइट शोधा प्लान एंड फॉलो ठीक है जी तो पह, लिस्ट जो है सबसे पहला पहलू है इस बिजनेस का तो अगर हम उसके लिए सीरियस होना चाहते हैं सीरियसली नहीं बनाएंगे तो हम बहुत कुछ खो देंगे तो इसलिए आपको सीरियस होना पड़ेगा एक घंटा दो घंटे आपको पूरे निकालने हैं तरीके से निकालने हैं ठीक है जी और एयरप्लोन प्लेन मोड पर फोन डालना है ताकि कोई नोटिफिकेशन कोई मैसेज कोई फोन आपको ना आए और आप उस टाइम पे एक रिसोर्सफुल स्टेट पे जाके जितने भी पर्सन अभी तक टिल डेट आप अगर अठारह के हो उन्नीस के हो बीस के हो जब 20 साल के होते होते जितने भी पर्सन आपने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से लेके जो मैंने बताया पहले भी आपको वो सारे आपने नोट डाउन करने हैं ठीक है जी ताकि जब तक और आपको ठीक है जी आप अपने जैसे एसोसिएशन की पावर ले सकते हो, सकते हो हो आप टीम के साथ मिलके बना अपलाइन के साथ मिलके बना सकते हो वो आपको और ज्यादा सजेस्ट करेंगे अपनी डाउनलाइंस के साथ मिलके बना भी सकते हो आप ठीक है जी और तब तक स्टॉप नहीं करना जब तक आप 300 से 400 सौ पर्सन की लिस्ट ना बना दो ठीक है जी तो ये चीज है तो नेक्स्ट बात करता हूं यूज टूल्स ठीक है तरह तरह के टूल्स यूज करो व्हाट्सएप पे कितने सारे ग्रुप्स होते हैं ठीक है जी आपको अननेसेसरी ऐड किया जाता है जब है ना मैं उस बिजनेस में नहीं था तो पहले मैंने भी बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे तो वही ग्रुप्स में से एक पर्सन निकलते हैं वही में से निकलती हैं तो वो ध्यान से आप चेक करा करो ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक इंस्टाग्राम पे कितने सारे फॉलोअर नॉर्मल नॉर्मल हर एक बंदे के जो फॉलोअर होता है है ना 300 से 400 सौ फॉलोअर तो होते ही हैं हर एक नॉर्मल पर्सन के कईयों के ज्यादा भी होते हैं जो पहले से एक्टिव होते हैं है ना वन थाउजेंड 1900, 2000, तो आप उनमें से से हर एक पर्सन का नाम लिख के हर एक पर्सन से बात करना स्टार्ट कर सकते हो ठीक है जी ओल्ड फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो कई बार मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती कि हमें सारे दोस्तों के नाम याद रहे बट स्कूल के फो, ज़रूर होते हैं जी है ना अपने पुराने ओल्ड स्कूल के जरूर होते हैं हमारे पास तो वहां पे इतनी भी स्ट्रेंथ होती है तीन सौ से चार सौ जितनी भी स्ट्रेंथ होती है ना सॉरी पचास से साठ जितनी भी स्ट्रेंथ होती है कॉल क्लास की सारे के की वन फ्रेम में फोटोज होते हैं तो आप उनको देख सकते हो कि हाँ जिनको आपको तो याद आ रहा होगा शायद नाम ना पता हो तो आप वहां से गेस्ट करके उनका नाम डाल सकते हैं ठीक है जी फोन कॉन्टेक्ट तो होते ही है और ओल्ड एल्बम्स आप निकाल सकते हो वहां से भी आपको कुछ ऐसे पर्सन मिलेंगे जिनको शायद आपने सोचा भी ना होगा जिससे आपकी लिस्ट एक्सपेंड होती जाएगी ठीक है जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हेल्प ऑल योर एसोसिएट तो टू बिल्ड देयर लिस्ट विद है ना स ठीक है जब वो बंदा आपका पर्सन जो है जब वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करता है तो आपकी ड्यूटी है ये जितने भी लीडर्स सुन रहे हैं सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर्स ठीक है जी आपकी जो ड्यूटी है कि आपको क्या करना है आपको सबसे पहले उन सभी को सभी के साथ जो जो मैंने पिछले नौ से दस पॉइंट बताए हैं ठीक है जी वो पॉइंट आपको उनको समझाने हैं ठीक है जी उनके साथ मिलकर ये लिस्ट बनानी है और उनको इस बिजनेस में फेथ बिल्ड करने में हेल्प करनी है जितना ज्यादा फेथ बिल्ड करोगे उतना ज्यादा पर्सन है ना आप फ्री माइंड होके खुल के कॉन्फिडेंस के साथ लिस्ट तैयार करेगा इसके बाद फिर वो आगे, आगे का स्टेप इन्विटेशन को फॉलो करेगा और आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा करेगा ठीक है जी होप करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक लिस्ट कैसे बनानी है वो आपको समझ आ चुका होगा तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर इन्विटेशन के ऊपर कि कैसे इन्वाइट किया जाए ठीक 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 है है है, है जी, so, जो है अभी मैं आपको बताऊंगा के ऊपर, तो start करते हैं mainly, deal three types of list, है? list भी तीन जैसे की हॉट लिस्ट में कौन पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन में जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं हमारे ठीक है जी उसके बाद वार्म लिस्ट में कौन होते हैं जो हेलो हाई वाले फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम ज्यादा डेली तो बुलाते नहीं है बट हाँ पंद्रह दिन में एक बार बात हो जाती है पंद्रह दिन में एक बार आठ बार मिल जाते हैं ना जब बीस दिन में या महीने में या डेढ़ महीने में है ना जहाँ पुराने दोस्त जिनसे पहले हम बहुत क्लोज हुआ करते थे बट आज के टाइम पे उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है इतना ज्यादा बट जस्ट इंस्टाग्राम पे ऐड है एक दूसरे के व्हाट्सएप स्टेटस पे देखते हैं तो हेलो है वाले फ्रेंड्स होते हैं और फिर आ जाते हैं कोल्ड लिस्ट में तो अननोन पीपल्स अननोन पर्सन ठीक है जिनको हम कभी लाइफ में मिले नहीं है जब बहुत कम बहुत कम रिलेशन है एक दूसरे को जिस देखा हुआ है बट बुलाया नहीं कभी तो वो होते हैं जी कोल्ड लिस्ट में तो इस तरीके से आप तैयार करो बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन्वाइट कैसे किया जा सकता है तो अभी मैं थोड़ा सा स्लाइड पे ध्यान ना देते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा तो आप जो मैं बताऊंगा वो ध्यान से समझना ठीक है जी देखो इनविटेशन इनविटेशन एक जो चीज़ होती है ना ये आ, कहते हैं कि सीखी नहीं जा सकती ये ऑब्जर्व की जा सकती है जहाँ मतलब खुद सीख सीख के क्योंकि मेरे को इनविटेशन जो सिखाया गया वो तो मैंने अप्लाई किया ही किया बट फिर भी जो बंदा का खुद का इनविटेशन होता है ना वो ज्यादा बेटर होता है और वो बंदा कभी भी खुद मतलब कि किसी से पढ़ के रीड करके नहीं सीखा जा सका रीड करके जस्ट हमें जस्ट आइडिया आता है कि हाँ जी इस तरीके से इनवाइट करना है इस तरीके से हमें ये चीज़ें का ध्यान रखना है बट जो भी होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब आप करते 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 चले जाओगे ना उस चीज को तब तक आप इस बिजनेस जब आप कर करके कर परफेक्ट हो जाओगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जा जाएगा तो कम से कम ये मत सोचा करो आप स्टार्टिंग में ये मत सोचना आप जब आप करना हर बंदे को काम को समझना पड़ता है फिर ही वो आगे बढ़ता बढ़ता आस्ता, आस्ता, एक मतलब तो अभी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ किस तरीके से इनवाइट करना चाहिए सबसे पहले मैं बात करूंगा लिस्ट की कि क्लोज फ्रेंड्स जो हमारे होते हैं तो क्लोज फ्रेंड को सबसे पहले आपने जितने भी पर्सन है जब आप बिजनेस में आते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल रन करते हो तो आपको करना क्या है आपको ना उन पर्सन से डायरेक्टली नहीं बात करनी है कि मैं इस बिजनेस में आ रहा हूं मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ ठीक है जी तो वो वाले तरीके में आगे, आगे आपको बताऊंगा बट पहले जो मेरा परसपेक्टिव है जो मैंने प्रैक्टिकल सीखा है यहाँ से वो मैं आपको शेयर करता हूँ तो सबसे पहले आपने क्या करना है पर्सन को आपने पहले तो लिस्ट तैयार कर लेनी है हॉट लिस्ट की हॉट लिस्ट क्या होती है साइड पे लिस्ट मतलब 25 से 30 परसेंट ऐसे होते हैं कईयों के दस होते हैं कईयों के पंद्रह होते हैं क्योंकि ज्यादा भी हो सकते हैं हॉट लिस्ट जिनके साथ हम उठते बैठते हैं डेली नहीं तो दो या तीन दिन के बाद हमारी बात उनसे होती ही होती है ठीक है बहुत क्लोज होते हैं वो हमारे क्लोज है रिलेटिव भी हो सकते हैं ऐसे यार दोस्त हो सकते हैं नेबर्स हो सकते हैं या कॉलेज फ्रेंड स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं हमारे तो सबसे पहले इनको अगर हमने बिजनेस के बारे में बताना है तो सबसे पहले हमने इनसे नॉर्मल बात करना स्टार्ट करनी है कभी भी इनवाइट करने से पहले कभी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर करने से पहले कभी भी आपको फेसबुक पे स्टेटस नहीं डालने फॉर एवर के रिलेटेड या व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस टीम फाइव सिक्सटी फोर के रिलेटेड नहीं डालने है। रीजन रीजन क्या है क्योंकि आज के टाइम पे आपको ये चीजें पता हैं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जहाँ फॉर एवर बिजनेस आज बहुत चल रहा है बहुत फैल चुका है और इसके जितना ये ग्रो कर रहा है उतना ही ज्यादा इसके बारे में थोड़ी थोड़ी कुछ पर्सन जो होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती जस्ट इंफॉर्मेशन होती है सुनी सुनाई बात होती है किसी से सुनी बात होती है तो वो पर्सन क्या बोलते हैं तो उनको ना थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव वे से इनको लेते हैं जल्दी पर्सन ठीक है जी नेगेटिव वे से ज्यादा लेते हैं वो

कभी भी अभी काम के बारे में बताया नहीं है वो हमारे हॉट लिस्ट हैं जो हम कार का फोटो उसमें डालते हैं तो क्या होता है कि वो चेक करता है कि यार क्या चक्कर है ना फिर उसके बाद हम और पोस्ट डालते हैं कि हाँ बंदे ने डेढ़ साल में डेढ़ साल में इतनी गाइड ले ली बीस लाख की गाइड ले ली बाईस लाख की गाइड ले ली है ना पंद्रह लाख की वरना कार ले आए तो उन बंदों को ना हमारे पे शक होना स्टार्ट हो जाता है कि यार ये भी शायद वो वाला काम कर रहा है क्योंकि जो बाहर की मैंटेलिटी है वो इतनी ज्यादा अभी फॉर एवर में जब हम आते हैं तो हमारा एक माइंड सेट बन जाता है हमें बीस लाख रुपए वाली गाड़ी भी छोटी लगती है बट बाहर के लोगों के लिए वो कारें बहुत बड़ी गाड़ी है ठीक है और कई बार तो हम ये भी कर देते हैं हम सीनियर की प्रोफाइल्स खोलते हैं बीएमडब्ल्यू बी एमडब्ल्यू है ना मर्सडीज के फोटोज है ना वो निकाल के जीरो जीरो सिक्स फोर के हम डाल देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर है ना ताकि हम हमें वो समझ नहीं होती क्योंकि हमने भी ये गलतियां की हैं मैंने भी स्टार्टिंग में ये गलतियां की हैं कि मुझे समझ नहीं थी कि यार ये चीजें ये बहुत ज्यादा नुकसान देंगी बाद में जब मैंने फो, वो फोटो डालना स्टार्ट करे तो लोगों को समझना स्टार्ट हो गया कि हाँ बी एमडब्ल्यू और डी है ना ये वाली मछली रेंज रोवर वाली बातें ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पक्का कोई ना कोई एम में काम कर रहा होगा पक्का ना कोई बंदे बुंदे जोड़ने वाले सिस्टम में काम कर रहा होगा तो उसके बाद जब आप स्टेटस डालते हो आप देखते तो वो सारे हैं किसी के पचास व्यूज होते हैं किसी के साठ व्यूज होते हैं वही लोग तो क्लोज होते हैं वही

ठीक फोटो डाली थी इसने डाला था और फॉर उस, उस ने कहा कि हाँ उसको तीन पता हैं, है, बंदे बंदे जोड़ने होते हैं प्रोडक्ट बेचने होते हैं फिर वो मतलब वो हमें हा, है तो हमारा दोस्त ही हॉट फ्रेंड है हमें बोलता हाँ हाँ ठीक है भाई अभी मैं यहाँ पे बिजी हूँ अभी मैं यहाँ पे बिजी हूँ अभी मैं यहाँ पे बिजी हूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है कभी भी काम के रिलेटेड कोई चीज पोस्ट नहीं करनी है जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर न्यू न्यू बनते हो तो ये चीजें पोस्ट आपको नहीं करनी है तब तक जब तक आप अपना क्लोज वाला सर्कल हाई वाला नहीं क्लोज वाला सर्कल टच ना कर लो तब तक आपको ये सारी चीजें नहीं डालनी है क्योंकि क्लोज फ्रेंड जो होता है ना वो हमारे बारे में हर चीज जानता है हमारे साथ उठता बैठता उसको हमारी फैमिली का पता होता है हमें उसकी फैमिली का पता होता है उसको पता होता है कि ये यार एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है बंदा इसको ऑडी मर्सिडीज या ये वाली चीजें जो है ये मतलब इसके बस की नहीं है तो वो सोचता है कि यार इसको कैसे पता लग गया कि एक लाख कैसे आता है मुझे क्यों नहीं लगा तो कई बार उस उस वजह से वो हमें मिस जज करना स्टार्ट कर देते हैं ये बहुत बड़ी गलती है तो कभी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर जो न्यू होते हैं जो न्यू है वो ध्यान रखें ये चीजें ना करें और जो आपकी टीम में इन फ्यूचर न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे उनको ये करने नहीं देना एक चीज मैं और नोटिस करता हूँ कई बार असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ नहीं और अपने इंस्टाग्राम को प्रोफाइल को पूरा बदल डालते हैं लिख देते हैं डिजिटल एंट्रप्रनोर और वहां पे नीचे चीजें आ जाती हैं की, आ, आ, फिल द फॉर्म इन बायो है ना फॉर्म आ जाता है नीचे गूगल फॉर्म्स आ जाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती है जब तक हम अपने न्यू पर्सन को जहाँ सॉरी अपने क्लोज फ्रेंड्स को टच नहीं कर लेते हैं ना तो वो चीजें हमें नहीं डालनी चाहिए जो हमें बहुत नुकसान डालती क्योंकि फिर उसको बंदे को तो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो हम पे शक करते हैं कि यार ये बंदा कोई स्कैम कर रहा है ऐसा कुछ चीजें कर रहा है और ये मतलब फालतू के काम में लग पड़ा है और हमें भी इन्वाट करेगा इसी में क्योंकि वो हमारी प्रोफाइल आज के टाइम पे हम घर रहते हैं पहले हमारे नाम से जाना जाता था आजकल फेसबुक के स्टेटस या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जो भी हम चलते हैं ना उसी वजह से हमें जाना जाता है तो हमें वहाँ पे कोई हर

और जो मेरा काम करना काम जो मैंने सही सीरियस हुआ था ना काम करने के लिए दो दिसंबर से मैंने अपना बिजनेस को एक बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करना स्टार्ट किया था मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन से स्टार्ट किया था तो मेरे बहुत सारा सर्कल था स्टार्टिंग में बट मैंने क्या किया मैंने ट्रेनिंग्स लगाई सनी के लिए मैं ट्रेनिंग्स होती थी उस टाइम पे तो जब मैंने ट्रेनिंग्स लगाना स्टार्ट करी ट्रेनिंग लगाने के बाद ठीक है ट्रेनिंग लगाने के बाद मैंने क्या किया मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया लर्निंग पे मैंने क्या किया मैंने बोला पर्सन बहुत ब, ब, मेरे पास बड़े हैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सीनियर से पूछा कि सर जो सीनियर मैनेजर है जिनका दो लाख रुपए का चेक है डेढ़ लाख रुपए का चेक है वो पर्सन आज के टाइम पे उनके साथ कितने परसेंट काम कर रहे हैं कि उनको दो लाख का पे उठा रहा है या डेढ़ लाख रुपए का पे उन्होंने बोला कि सीनियर मैनेजर होता है ना उनके डायरेक्ट में दो पर्सन होते हैं वो मैनेजर होते हैं डायरेक्टली ज्वाइन करवा के मैनेजर बनाते हैं और जब वो सीनियर मैनेजर बन जाता तो मिनिमम मिनिमम मतलब सवा लाख डेढ़ लाख रुपया तो पक्का हो जाता है उनका मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे पास तो पर्सन ही बहुत हैं, है ना बीस पच्चीस चालीस पचास साठ सत्तर दोस्त है मेरे तो दो पर्सन तो मैं लगा ही लूंगा कोई बड़ी बात नहीं तो सीखा नहीं एक्साइटमेंट होके काम करना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से ना मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ मेरे जो पर्सन थे वो मतलब और हमारे जम्मू में जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था पूरे जे एंड के में कोई टीम फाइव सिक्सटी फोर की कोई भी कार नहीं थी किसी के पास एक लाख रुपए का चेक नहीं था उस टाइम पे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो मैं अपने मोहाली वाले सीनियर इसको बताता था कि हमारे में कुछ ऐसे हैं जो कार ले चुके हैं, हैं गाड़ी ले चुके तो लोग जम्मू में करते थे कि यार नहीं दो लाख रुपया तो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई मेरे को बट मैंने सीखा नहीं बस ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो जब आपकी टीम में क्वेश्चन सुपरवाइजर आता है इन फ्यूचर तो आपको क्या करना है उसको एक हफ्ता ट्रेनिंग्स लगानी है काम को सिखाना है ठीक है मैं मेरी गलती क्या हुई सीखने की वजह से मेरा जो मैनेजर है वो ढाई साल में हुआ ठीक है विदाउट नॉलेज नॉलेज लेके काम करना प्रैक्टिकल होते के उसके बाद जाके मेरा काम चलना स्टार्ट हो गया ठीक है तो मेरे छह महीने वेस्ट हो गए या मेरे आठ महीने वेस्ट हो गए मेरे को सुपर ए लेवल से सुपरवाइजर तक पहुंचने तक का समय जो था वो तो सेवनटीन मंथ का था सतारह मंथ लग गए थे मेरे को एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बन रहा था तो सेवनटीन मंथ मेरा इतना टाइम लग गया किसी वजह से विदाउट नॉलेज मैं जस्ट काम कर रहा था काम कर रहा था नॉलेज नहीं गेन कर रहा था जब नॉलेज गेन करी तो अगले टाइम भी भी तो तो कहने की बात यह है जब नॉलेज होगी तभी आप इस बिजनेस को आगे बढ़ पाओगे तभी आप जल्दी से जल्दी अपने लेवल क्लियर कर सकते हो तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप एक हफ्ता पंद्रह दिन महीना अपने आप को लर्निंग में डालें क्योंकि जहां पे इतने सारे हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं चार चार साल की मिनिमम डिग्रीज होती हैं डिग्री साल की डिग्रीज होती हैं वो पढ़ने के बाद भी पचास साठ हजार रुपये कमाना बहुत मुश्किल है है ना लेकिन में हम जल्दी कामयाब होना चाहते हैं इसी वजह से हम थोड़ा मार खा जाते हैं हमारा नॉन सर्कल ही हमें मैनेजर बना सकता है जल्दी से जल्दी है ना क्योंकि अननोन में काम करना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू नोन नोन में काम करना बहुत आसान है बट वही है ना राइट नॉलेज होगी जब आपके पास

बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ और आपने कोई भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया कोई टीम फायर कुछ नहीं है ना कोई पोस्टर कोई मैनेजर कुछ नहीं है ना जस्ट आप जैसे हो वैसे ही हो वैसे ही आपकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम की वो चेंज नहीं हुई जस्ट जो आपने लिखा हुआ था पहले वही लिखा हुआ है और उसके उस टाइम पे जब आप अपने अपने फ्रेंड को कॉल करेंगे के चलो आपकी बीस फ्रेंड की लिस्ट है तो आप एक फ्रेंड को फर्स्ट फ्रेंड को कॉल करोगे और फर्स्ट फ्रेंड को कॉल करके बोलोगे कि जी ब्रदर फॉर एग्जाम्पल हाँ जी मैं नाम लेता हूँ कोई भी जैसे विनय हेलो विनय मैंने आपको मिलना है यार मेरे को मिल आके भाई ठीक है तो क्या लगता है आपका फ्रेंड मना करेगा आपको मिलने के लिए वो लगेगा हाँ भाई क्या हो गया तो कुछ नहीं यार जस्ट मिल मिलते हैं बहुत देर हो गया मिले हुए है ना जहाँ आपका दोस्ती है वो तो अगर आपके साथ दिल्ली मिलता है तो वो तो बोलेगा हाँ भाई ठीक है कोई नहीं शाम को आता हूँ तेरे तो पास तो आ जाएगा उसके बाद फिर आपको पंद्रह मिनट क्या करना है पंद्रह से बीस मिनट आपको वही बातें कर रही है जो आप इस बिजनेस से आने से पहले किया करते थे ठीक है जो भी कॉलेज की क्या करना स्टडी वगैरह जो भी आप पहले किया करते हैं जो नॉर्मल बातें होती हैं दोस्त के बीच में फिर उसको बोलना कि भाई क्या लगता है यार यार मैं मैं सोच सोच रहा रहा था था क्या बोलना है ध्यान से समझना यार मैं रहा था कि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है स्टडीज भी ऑनलाइन हो चुकी हैं कुछ तो समय नहीं आ रहा पहले कॉलेज होता था यार वहां पे हम जाया करते थे है ना डिग्रीज होती थी आजकल वो भी है ना ऑनलाइन ऐसे प्रमोट किया जा रहा है तो जॉब्स भी तेरे को पता ही या, है क्या यार हालात है क्या बनेगा अपनी लाइफ का तो दो तीन तरीके के दोस्त होंगे एक बोलेगा हाँ यार सही बात है एक बोलेगा भाई क्या हो गया तेरे को है ना कहीं होते हैं ना यार दोस्त वो बोलते हैं भाई क्या हो गया तेरे को बड़ा सीरियस हो गया लाइफ में है ना तो दो तीन तरीके के रिस्पॉन्स होंगे आपको उस उस रिस्पॉन्सिस के तरीके से आपको रिएक्ट करना ठीक है, है जैसे कोई बोलेगा हाँ भाई सही बात है उसको बोलना भाई मैं सोच रहा था यार क्या बनेगा फ्यूचर का तो आपको उसको बढ़ाते जाना बार कोई तो बंदा बोलते हैं जो अनसीयस है आगे से दूसरा दोस्त जो बोलता है कि आ, भाई क्या हो गया यार आज बड़ी सीरियसली बातें कर रहा है कई बार है ना तो उसको बोलना रहे यार भाई आज नहीं तो कल तो सीरियस होना ही पड़ेगा ना क्योंकि मतलब जैसे जैसे टाइम हो रहा है अभी बीस पच्चीस इक्कीस साल उम्र हो चुकी है जहाँ हर हाल का हो चुका हूँ ना फैमिली क्योंकि हम सारे जितने भी लोग फॉर कर रहे हैं जो फॉरवर्ड बिजनेस में आते हैं वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं जो अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं तो आप उस तरीके की बातें उसके साथ कर सकते हो कि यार मैंने अपनी लाइफ में आगे ना मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है तेरे को क्या लगता है भाई कि हम कैसे अपनी ड्रीम कार तक ले चलें ड्रीम कार कौन सी अपने दोस्त को तो बंदा पूछ सकता है तेरी ड्रीम कार कौन सी कोई बंदा बोलता स्कॉर्पियो कोई बोलता फॉर्च्यूनर कोई बोलता है, वर्ना कोई बोलता है ना तो बोलना यार क्या तेरे पास कोई ऐसा प्लेटफार्म है जिससे तू इस, इसको ले सके बंदा बोलेगा सिंपल शब्दों में बोलेगा नाइनटी नाइन परसेंट केसेस में नहीं यार ऐसा तो कुछ है नहीं है ये गाड़ियां हमारे लिए नहीं बनी यार ये तो बिजनेसमैन लोग होते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं वही लेते हैं हमने क्या करना है भाई जैसे जिंदगी चल रही है नौकरी मिलेगी तो वही नॉर्मल लाइफ है ना बोला यार बट मैं नहीं ये चीज आपको ये चीज बोलनी है वहां भाई यार मैं नहीं मतलब कि आपको ये बताना है कि यार मैं नहीं ऐसे जीना चाहता मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ काम करने के लिए जब कोई तेरे पास आइडिया है मेरे दो मतलब अपने फ्रेंड को बोलना है कोई आपके पास आइडिया है आपके पास कोई हम मिलके कुछ दोनों भाई मिलके स्टार्ट करते हैं ना तो आपने कोई फेसबुक पे स्टेटस डाला ना आपने प्रोफाइल चेंज किया आप जस्ट ऐसे बात कर रहे हो उसके साथ में दोस्त के साथ बंदा बोलता है यार नहीं मेरे पास तो आइडिया नहीं है एक परसेंट बंदा बोलेगा है अभी है है ना जब कहीं बोलेगा नहीं बोलेंगे मेरे पास आइडिया नहीं है तो उसको बोलना आपने कोई नहीं भाई मैं कुछ ढूंढ रहा हूं और अगर तेरे को कुछ मिलता है मेरे को बताना क्योंकि आजकल बहुत सारी स्टोरी सुनते रहते हैं जहाँ आप रतन टाटा का नाम ले सकते हो अंबानी का नाम ले सकते हो कोई बड़े अपने शहर का कोई बिजनेस है उसका नाम ले सकते हो यार ये भी तो इंसान ही है इसके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी है, इसने भी तो किसी टाइम पे स्टार्ट किया होगा ना बिजनेस को ठीक है तो वैसे ही आ, मतलब की हम भी कुछ देखते हैं सोचते हैं क्योंकि नॉर्मल जिंदगी तो फिर वैसे ही है को पता ही है अगर हम आज हम बी कर रहे हैं तो मेरे मासी के बेटे ने भी बी करी थी मेरे चाचा के लड़के ने भी बी करी हुई है तो आज वो जॉब कर रहा है अगर कर, वैसे तो घर में बैठा हुआ अगर कोई जॉब भी करा रहा आप एग्जाम्पल देते हो जॉब कर रहा है बीस से पच्चीस हजार तीस हजार कमाता है भाई उससे उसके खुद वो बिजी रहता है टाइम होता नहीं है तो मैं नहीं चाहता ऐसी लाइफ जीना क्या तू चाहता है भाई अपने दोस्त को ऐसे पूछना तो वो भी बंदा एग्री करेगा नहीं यार कुछ करेंगे ठीक है तो उस टाइम पे आपको फॉरवर्ड नहीं बतानी है पहली मुलाकात में मैं आपको ये बार बता रहा हूं पहली मुलाकात पे आपको फॉर एवर नहीं बतानी है उसको आपको जस्ट ये चीज बोलनी है उसको हाँ जी ठीक है तो फिर फिर पंद्रह मिनट अपनी बातें करनी है जो भी आप ये टॉपिक बीच में डालना आपको ये वाला जो मैं आपके आपको बता रहा हूँ ठीक है पंद्रह मिनट फिर आपने अपनी नॉर्मल बातें उससे करनी है और इस तरीके से आपको अपनी बीस की बंदों की लिस्ट क्लोज फ्रेंड की जितनी सात आठ दस बीस पंद्रह तीस चालीस पचास जितने भी हो सकते हैं आप लोगों के वो आपको टच करनी है और साथ साथ में हर ट्रेनिंग अटेंड करनी है हर सीनियर को सुनना है जिससे आपकी ना नॉलेज गेन होगी और नॉलेज बढ़ेगी और आप मैं बोलता हूँ चलो बीस बंदे होते हैं सभी के बाद बीस क्लोज फ्रेंड वाले जो हॉट फ्रेंड होते हैं सभी को टच कर लेना उनको टच करते हो ना उसके बाद बीस दिन के बाद आपके पास नॉलेज भी आ चुकी होगी आप काफी कुछ जान चुके होंगे फॉरअवर के बारे में और इक्कीसवें दिन आपको पहले फ्रेंड को फोन करना बीस दिन के गैप के बाद ठीक है जहां तुम तो मिलते रहो बीच में आप उसको कोई दिक्कत नहीं है बीस दिन के बोलना यार भाई कहाँ पे मिल मिलेगा वो क्योंकि उसको तो आपने फॉरवर बताई नहीं हुई और उसको पता भी नहीं आप कर रहे हो ठीक है वो मिलेगा मिलने के बाद आप उसको बोलना यार भाई एक ऐसा ऐसा सिस्टम है मेरा एक फ्रेंड है अपनी अपलाइन के बारे में थोड़ा सा बताओ मेरा एक फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा बिजनेस है यहाँ से लोग बहुत अच्छा इनकम अर्न कर रहे हैं और उसकी मेंटेलिटी के साथ यहाँ पे आपको ये कभी नहीं बोलना है यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं लाख रुपए आता है यहाँ पे इतने लोग कमा चुके हैं आठ लाख रुपया एक सीनियर हमारे कमा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं बोलना है आपको उसको बोलना है यार एक ऐसा काम है कि हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं दो से तीन घंटे और दो से तीन घंटे हम ऑनलाइन काम करके ना पांच से सात हजार रुपया कितना सात आठ हजार रुपया हम कमा सकते हैं मंथली तो अगर दो तीन घंटे दिन के काम करने पड़ेंगे वो भी ऑनलाइन घर में बैठ के भाई तो क्यों नहीं करें करना चाहिए कि नहीं बंदा कहता हाँ करना चाहिए बट काम क्या है उसको बोला यार मुझे अभी पूरा पता नहीं है बट हमारा ना एक कल एक सेशन हो रहा है सेशन करते हैं ऑनलाइन जूम पे तो वो हम दोनों भाई मिल लगाएंगे तो देख लेते हैं क्या सिस्टम ठीक है मेरे को उसने इनवाइट किया हुआ है ये चीज आप बोलोगे तो आपका पर्सन बोलेगा ठीक है फस, तो इस तरीके से आपने पर्सन को इनवाइट कर सकते हो वेबिनार में और जहां दूसरी चीज कई बार क्या होता है आपका फ्रेंड बोलता है कि आ, अच्छा यार कौन सा वेबिनार कहीं फौरेवर तो नहीं है कहीं पे ये है ना यहाँ ऐसे कुछ बोलेगा यार ये तो एम कंपनी तो नहीं है या नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है यार ये मैंने सुन रखा यार, है यार गाड़ियां गुड़ियां दिखाते हैं कुछ नहीं होता ऐसा है ना ये भी बोल सकता है तो आपको उस टाइम पे ये बात बोल रहे बोलना भाई ये देख सिंपल सी बात है उसने मुझे बोला कि बिना कुछ लगाए या बहुत कम पैसे लगा के आप बिजनेस खड़ा कर सकते उसको बोलना है ये जो पर्सन ऑलरेडी बोल रहा है कि नेटवो मार्केटिंग है फॉर एवर है कि यार मैंने इतने मतलब इतने पैसे लगा के उसने बोला कि जीरो मतलब बहुत कम पैसा लगा के आज लोग बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं भाई वैसे भी हमारे पास क्या है अगर हम इसको इग्नोर करें वैसे क्या करेंगे बिजनेस मैन तो है नहीं इतना पैसा तो है नहीं कि हम बिजनेस को है ना खड़ा कर सके बिजनेस को आगे बढ़ा सके है ना जहाँ अपना कोई प्राइवेट फ्रेंचाइजी खरीद लें करनी तो नौकरी है और आपको पता है हालात कैसे हैं क्योंकि हमारे फ्यूचर कहाँ पे देखा जा सकता है जो हमारे जो हम कर रहे हैं जो ऑलरेडी तीन चार साल पहले कर चुके हैं तो हमें लगाने में क्या है क्योंकि आपको 20 दिन से 30 दिन हो चुके होंगे और आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे और आपको 20 से 30 दिन हो चुके होंगे इस काम को समझते हुए तो आपको उसके ऑब्जेक्शन क्योंकि ऑब्जेक्शन नॉर्मल होते हैं बंदों के ऑब्जेक्शन समझने में ना बहुत आसानी होगी और आप उसको टैकल अच्छे से कर पाओगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग्स आपने लगाई होंगी तो आपको सारा कुछ समझ आ चुका होगा किस तरीके से ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन करना करना है को हैंडल करने, किस तरीके तो उस तरीके से से तो उस आप उसको पॉजिटिव करके इस वेबिनार में लेके आ सकते हो इन्वाइट कर सकते हो तो आपको अगर आपने ये किया जो मैंने आपको बताया ठीक है होप करता हूं आपको समझ आया होगा ठीक है जो मैंने आपको बताया अगर आपको समझ और आपने एग्जैक्टली वैसे ही किया तो अगर आपके दस नॉन पर्सन 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 है ना, दस है दस है आपको दस में से तीन पर्सन मिनिमम थ्री पर्सन ज्वाइन आपके साथ पक्का करेंगे और ज्यादा भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं पर तीन बंदे ए एस में होंगे और अगर वो तीन पर्सन जो हॉट वाले पर्सन क्योंकि आपको मैं बता दूं जितनी भी टीम फायर है ठीक है ज्यादा मैक्सिमम तीन दोस्तों ने या चार दोस्तों ने कट्टे डिसीजन बना के इस बिजनेस को किया था और आज उन्होंने हिस्ट्री बना दी आप कोई भी एग्जांपल चेक कर लो ठीक है खास साल क्योंकि नॉन पर्सन ना जल्दी ट्रस्ट करता है और जैसा जैसा आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हो वो इस बिजनेस में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है ठीक है आपके साथ चलता है लॉन्ग टर्म चलता है मैनेजर बनता है आपका सीनियर मैनेजर जल्दी क्वालिफाई होता है और आपके जो चेक्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और बाद में जो पर्सन हेलो हाई वाले हैं वो तो आपके साथ आ ही जाएंगे ठीक है तो ये तरीका है नॉन पर्सन को इनवाइट करने का जो मेरा तरीका है जो मैं आपको प्रैक्टिकल जो मैंने अभी तक तीन साल के एक्सपीरियंस से सीखा है वो आपको यहाँ पे सीखना है ठीक है तो ये चीज और तो दूसरी बात अगर मैं करूँ हेलो हाई वाले फ्रेंड्स जो है उनको कैसे आप इन्वाइट कर सकते हो हेलो हाई वाले फ्रेंड्स ज्यादा बात नहीं होती आपकी ठीक है तो आप उनसे पहले क्या करना आपको रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है क्योंकि सबसे पहले आपको किस हेलो हाई है वालों का नंबर आपको लेना है किसी तरीके से आप इंस्टाग्राम पे हो व्हाट्सएप पे हो सॉरी फेसबुक पे हो आपको मैसेज करना है बात करनी है उससे और पहली चैट पे आपको कभी काम नहीं बताना

ये वाली साइड जब मैं आया तो मैं देखो तो फोन करूंगा जब मेरे वाले साइड भाई तू तो जब आया तो मेरे को मिल लेना तो इस तरीके से आप उसको बात करके नंबर एक्सचेंज कर सकते हो और कई बारी कई पर्सन का नंबर आपके पास नहीं होता है तो आपको क्या करना है ठीक है आप उनका जो नंबर है वो शेयर कर सकते हो ठीक ले सकते हो किसी फ्रेंड से फ्रेंड के फ्रेंड से नंबर ले सकते हो तो उनको व्हाट्सएप मतलब कहने की बात है जो हेलो हाय वाला फ्रेंड है ना उसको आपको अपने इंस्टाग्राम पे और आपको उसको अपने व्हाट्सएप पे लेके आना है ठीक है और जब व्हाट्सएप पे लेके आना है तो आपने जैसे मैंने बोला कि अभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने होने ने, आपने पंद्रह दिन सीखना है बीस दिन आपने क्लोज वाले फ्रेंड्स के साथ बात करनी है बात करने के बाद जो हेलो हाई वाले फ्रेंड्स है ना उनको आपने जब उन्हें अब व्हाट्सएप जब नंबर ले लिया तो बंदा व्हाट्सएप स्टेटस डालता ही है और अपना नंबर भी उनके फोन में सेव करवाना है ठीक है आपको कॉल करके आप बात कर सकते हो उसके जो नंबर आ गया भाई ऐसी ऐसी बात है कॉलेज टाइम की बात कर ली अगर कोई रिलेटिव के उधर रहता है कोई पर्सन तो उससे बात कर ली वो बातें कैसे करनी है आपको जर्नल बात करनी है जो हम अभी हर किसी बंदे से करते हैं रिलेशन बिल्ड करना है उसका नंबर आपके फोन में सेव हो गया आपका नंबर उसके फोन में सेव हो गया आपने उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया उसने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया तो वो बंदा ना पैसे पे चलना स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो इंस्टाग्राम पे फिर अच्छी अच्छी, अच्छी आप स्टोरिया डाल सकते हो फॉर एवर रिलेटेड नहीं डालनी मोटिवेशन डाल सकते हो कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हो इसको देख के बंदे को लगे कि हाँ इस बंदे की सोच बहुत अच्छी है या लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है ठीक है दूसरी चीज वो व्हाट्सएप स्टेटस डालता है कोई बंदा सैड सॉन्ग डालता है कोई बंदा हास्य मतलब कि जोक्स डालता है कोई बंदा कुछ भी शेयर कर रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना आपको नई मतलब आपको ये लेने देना का मतलब नहीं है कि उसने क्या डाला है कौन सा जोक डाला है कौन सा ये नहीं डाला कौन सा डाला है आपको उसको अप्रिशिएट करना है उसको है इमोजीज भेजनी है व्हाट्सएप के ऊपर ठीक है इंस्टाग्राम पे अगर उसने कोई स्टोरी डाली है देखो यार व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे बंदा स्टोरी तभी डालता है कि लोग देखें उसको और जब उसको अप्रिशिएशन मिलेगी तो वो डेफिनेटली आपके क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आपको पता ही है आज के टाइम पे हर बंदा चाहता है अप्रिशिएट अगर मैंने जो शर्ट डाली है अपने से किसी बंदे ने कोई शर्ट लेके आता है तो उसको लगता है कि यार मेरे को ये चीजें है ना अप्रिशिएट हो जाए बहुत अच्छी शर्ट डाली है तो उसका ना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि मैं जो मैंने चीज डाली है वो लोग पसंद कर रहे हैं तो वही चीज है स्टोरी और स्टोरी बंदा इसलिए डालता है क्योंकि लोग उसको अप्रिशिएट करें और व्हाट्सएप इसलिए बंदा डालता है कि वो उसको अप्रिशिएट करे तो आपने अप्रिशिएट करना बट ये भी ध्यान रखना है कि हर स्टोरी पे नहीं आपको इमोजी सेंड करे जाना सही है सही है हर स्टोरी पे नहीं कर रहा उसको लगेगा कि यार ये मतलब से कर रहा है किसी मतलब से या वो मतलब आप पे गौर करना स्टार्ट कर देगा कि ये कर क्यों रहा है ये चीज तो ये चीज नहीं करनी दो दिन के बाद पांच दिन के बाद तीन दिन के बाद है ना जब भी कोई चीज अच्छी लगे उसको आपने भेजनी है फिर उससे आपकी ना बात स्टार्ट होगी कि आपने मान के उसके रिएक्ट कर दिया तो उसको बात स्टार्ट हो, हो जाएगी कि हाँ जी कि स्टेटस बहुत अच्छा डाला भाई जब बहुत अच्छा जोक था यार ये सुना भाई क्या कर बस यार फ्री बैठा हूँ बस यार मैं इधर जा रहा था आप बताओ क्या करे बस यार बेला बैठा हु ऐसे बात आपकी चलना स्टार्ट हो जाएगी और जब ऐसे करते करते एक महीने के अंदर हेलो हाई वाले क्योंकि जो भी आज आपके क्लोज फ्रेंड है ना जो भी आपके आज क्लोज फ्रेंड है वो एक टाइम पे अननोन थे एक मतलब की कहने की बात है यार एक साथ आप पैदा नहीं हुए थे आप दुनिया में अकेले आए थे वो भी क्लोज फ्रेंड तभी बने जब आपका उसके साथ जब आप रोज बात करते थे थे रोज मिलते थे, ऐसा करते करते तो ऐसे ही हेलो हाई वाले फ्रेंड भी आपके एक टाइम पे क्लोज बन जाए उतने क्लोज नहीं बनेंगे बट फिर भी फिफ्टी परसेंट या सिक्सटी परसेंट फर्क पड़ जाएगा और उसके बाद वो आपको पूछेगा आप क्या करते हो फिर आप उसको बता सकते हो कि भाई मैं ऑनलाइन काम करता हूँ एक दो घंटे में पांच सात हजार रुपये कमा लेता हूँ उस टाइम पे आपके नोन पर्सन से भी अनोन पर्सन नोन से भी एक दो चेक आ गया होगा आप उसको शेयर कर, है, है? तो कर सकते हो क्योंकि मैं आपको कोई ऐसा तरीका नहीं बता सकता कि आप आज आज जाके अपनी सारी लिस्ट को इनवाइट कर दो ये प्रोसेस है नेटवर्क मार्किंग ये प्रोसेस है ये बिल्डिंग प्रोसेस, इतना तगड़ा रिलेशन होगा आपने मोस्टली देखा होगा

बाकी बात आ जाती है जी अनोन पर्सन की अननोन पर्सन की बात आ जाती है तो अनोन पर्सन को बुलाना वो एक स्किल है आप डायरेक्ट हो सकते हो क्योंकि अननोन पर्सन खराब नहीं होते हैं क्योंकि अननोन पर्सन इनफ्रंटी पड़े हुए हैं मतलब करोड़ों लोग हैं जो फेसबुक पे इंस्टा पे है ना अगर वो खराब भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि दुनिया ही सारी अननोन है कर सौ थोड़ा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ एक अनोन पर्सन इन्विटेशन में तीन ऑब्जेक्शन डालता है ज्यादा से ज्यादा चार डालता है मतलब तीन मिनिमम तीन ऑब्जेक्शन डालता है चार वाला जो बंदा होता है वो ज्यादा ही मतलब पंगे लेने वाला पर्सन होता है तो तीन ऑब्जेक्शन होते हैं क्या होता है जैसे मैंने अभी मैसेज किया किसी को फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हेलो भाई क्या हाल है मैंने बोला हाँ जी कौन मैं बोलता हूँ कि यार मैं ऐसे नाम विनय राघ्वाजा मैं डिजिटल एंड भाई तो मैं कुछ पर्सन को ऐसे ढूंढ रहा हूँ जो कुछ लाइफ में बढ़िया करना चाहते हैं आज से तीन साल पहले मैंने काम करना स्टार्ट किया था आज मेरे पास ये अचीवमेंट है चलो मैं अपनी बात छोड़ के एक ए की बात करता हूँ कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया पार्ट टाइम आपको पता है स्टडीज के हालात कैसे हैं ठीक है आज के टाइम पे जॉब बहुत ज्यादा मुश्किल है ना जब मिलती है अभी फिर भी हम ड्रीम पूरे नहीं कर सकते वो सारी बातें आप वो उससे तो जहाँ तो आप उसका नंबर ले लो फोन पे बात कर लो कि भाई मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास क्या आप इंटरेस्टेड हो अगर आप हो तो आप नंबर शेयर कर दो मैं कॉल पे बात करता हूँ कॉल पे बात करके उसको इन्वाइट करना की भाई ऐसी ऐसी बात आप क्या करते हो कैसी स्टडी करते हो अच्छा क्या करना चाहते हो लाइफ में मैं भी स्टूडेंट हूँ मतलब उसके साथ रिलेट करना है आपको एक अननोन पर्सन को अपने हर की हाँ अगर वो बीटे कर रहा है तो आप बोलते हो कि हाँ यार मेरा एक फ्रेंड है वो भी बीटा

तो जहाँ तो बंदा बोलेगा ओके ठीक है कोई बात नहीं भाई मैं आ जाऊंगा ठीक है दूसरा पर्सन भाई काम क्या है पहली चीज काम क्या है करना क्या होता है आप उसको वहां भी बोल सकते हो भाई आपको पता है टाइम लिवरेज क्या होता है बंदा बोलता है टाइम लिवरेज नाइनटी नाइन परसेंट लोगों को नहीं पता होता है. बोलता है नहीं मुझे नहीं पता टाइम लिवरेज क्या होता है बोला वही चीज है बदर इसमें ना कुछ कैलकुलेशन होती है तो जो आपको अभी मैं फैक्ट्स होते हैं कैलकुलेशन है, जो ऐसे फोन पे मैं आपको बता नहीं सकता आप हमारा वेबिनार अटेंड करो 40 से 45 मिनट का वेबिनार होगा जब आप उसको अटेंड करोगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि वो क्या बिजनेस है फिर आप अच्छे से डिसीजन बना के उसके बाद मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स या आप जो भी आपको डाउट्स हो क्लियर करके आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं तो पर्सन एक पर्सन बोलेगा ओके ठीक है मैं लगा लूंगा ठीक है दूसरा दूसरा पर्सन बोलेगा अच्छा ठीक है टाइम लिमिट ठीक है अच्छा कैलकुलेशन तो होते हैं बट फिर भी थोड़ा सा हिंट दे दो

जब जॉब में आपको दस पंद्रह हजार की सैलरी मिल रही है क्या आप फोन पे इंटरव्यू दे सकते हो वहां पे पर तो बोलता नहीं तो वैसे ही ब्रदर आप आ जाओ हमारे सिस्टम में आप ऑनलाइन आ जाओ छह बजे हमारा वेबिनार है उसमें क्या है फ्री होता है पर्सन तो एक घंटा आप निकाल के वेबिनार लगा लो यूट्यूब का लिंक आपको मैं सेंड कर दूंगा पूरा अटेंड करो अगर आपको समझ आ गया तो आप मेरे को बैक कॉल बैक करना जब मैं आपको कॉल बैक करूंगा आफ्टर सेशन तो हम बात करेंगे फिर मैं आपको आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा ठीक है तो पर्सन बोलेगा ओके भाई ठीक है अगर फिर भी कोई फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर वो बंदा काम का नहीं है आप उसको इग्नोर करके आप नेक्स्ट अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल कर सकते हो तो ये मेनली तीन तरीके जो मैंने आपको बताए क्लोज फ्रेंड के हेलो हाई फ्रेंड्स के और अननोन पीपल को कैसे आपने इनवाइट करना अभी कुछ थली चीज है जो आपको मैं बताता हूँ कि सिक्स राइट अप्रोचेज होते हैं जल्दी से बताता हूँ टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है तो सिक्स राइट अप्रोचेज है फॉर एनवाइस डायरेक्ट अप्रोच ठीक है ओपिनियन सस्पेंस एक्सपेंशन प्रैक्टिस एंड जो डायरेक्ट अप्रोच होती है आप किसी को डायरेक्ट अप्र, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो है ना जो बंदा ओपन माइंडेड आपको लगता है कि हाँ ये मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा जब कोई ऐसा पर्सन नहीं है तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई मेरे पास एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आप अपनी करंट जॉब और प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बिना अगर एक दो घंटा करोगे तो आप बहुत ज्यादा पैसा यहाँ कमा सकते हो इन फ्यूचर अगर आपने अच्छे से काम को समझ लिया ये चीज ठीक है जब आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है ठीक है आप मेरे पास एक बहुत बेटर कैरियर

ठीक है जहां उनके पीएमएफ प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर अगर आपने क्वेश्चन आंसर बुक पढ़ी है तो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो होते हैं आप उसको समझा सकते हो उसका पूछ सकते हो कि तेरे को भाई लाइफ में क्या चाहिए अगर ये चीजें तेरे को चाहिए तो मेरे इस बिजनेस से को मिल सकती हैं तो अगर ये जानना चाहता तो मेरे पास आ जाओ मतलब आप उसको प्रेजेंटेशन के लिए बुला सकते हो ओपिनियंस कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो आपसे बड़े होते हैं जो अपने आप को आपसे स्मार्ट समझते हैं जैसे जहाँ तो एक तो होते हैं ना हमारे एल्डर्स होते हैं जो जैसे हमारे चाचा हो गए ताया जी हो गए मामा जी हो गए कुछ भी हो गए जिसको हम बताना चाहते हैं तो हम उनको वहां पे बोल सकते हैं कि मामा जी या चाचा जी मैं आपको ना अपना एक मतलब बहुत अच्छा इंसान मानता हूँ मैं कि आप जो भी लेते हो, बहुत नहीं करना चाहिए इसी तरीके से आप बोल सकते हो दूसरी चीज की मेरे को एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो मैं आपको एक्सपर्ट मानता हूँ इस चीज में ठीक है तो ये सारी चीज की हमारे एरिया में जो बिजनेस चल सकता है कि नहीं चल सकता है ना मेरे को आपकी गाइडेंस चाहिए इसके रिलेटेड तो इस तरीके से आप एक जो आपसे ऊपर पर्सन है ठीक है आप उसको डायरेक्टली इनवाइट नहीं कर सकते तो इस तरीके से ओपिनियन की तरह तरीके से लेने के तरीके से आप उसको इनवाइट कर सकते हो सस्पेंस डाल सकते हो कुछ खास दोस्त है है ना कोई फ्रेंड है आपका ऐसा जो मतलब कि उस इनवाइट से नहीं आएगा बहुत सारे तरीके हैं तो ये तरीका क्या है कि नेक्स्ट फाइव ईयर का मेरे पास प्लान है भाई जो फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो आप आ, मैंने तो ढूंढ लिया भाई अगर तू कुछ करना चाहते हो तो बता मेरे को मैंने मैं तो आज वाले आने वाले पाँच साल में सेट हो जाऊंगा मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है ठीक है मेरे को पास एक कैरियर अपॉर्चुनिटी आ चुकी है या मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ नहीं लगाना भाई और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो आने वाले तीन चार साल अगर हम मेहनत करेंगे तो ठीक है जी इस तरीके से जहाँ मैंने एक यूएसए बिजनेस के साथ अप किया हुआ है तो अगर आप उस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो या आप उस बिजनेस को देखना चाहते हो क्या है क्या नहीं तो आप मेरे सब पास आ सकते हो मैं आपको बताऊंगा ठीक है सस्पेंस एक्सपेंशन कुछ दोस्त होते हैं जो अलग एरिया के होते हैं अलग डिस्ट्रिक्ट के होते हैं ना तो हम उसको वहां पे बोल सकते हैं कि यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पे तो बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं तेरे एरिया में एक्सपेंड करने की सोच रहा हूँ कुछ चार पांच पर्सन होंगे तो मेरे को जरूर बताना ठीक है तो पर्सन बोलेगा भाई मुझे बता क्या चीज है तो वहां पे आप बता सकते हो ठीक है जी उसके बाद मैं कुछ पैशनेट पर्सन ढूंढ रहा हूँ भाई अगर तेरी नजर में कोई होगा तो मुझे जरूर बताना पर्सन बोलेगा यार पहले मेरे को बता है ना वो सारी चीजें उसके बाद बात करता हूँ Tío, practice. की प्रैक्टिस जैसे कोई पर्सन होता है रिलेटिव होते हैं यार दोस्त होते हैं ब्रदर्स होते हैं कई बार बड़े भाई होते हैं नहीं समझते बात को सिस्टर होती है बड़ी नहीं समझती है तो उनको आप ये समझा सकते हो कि यार मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ कि मैं सही से प्रेजेंट कर पाता हूँ आज मेरी फॉर्म को प्रेजेंटेशन है तो क्या मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन आधे घंटे में शेयर कर सकता हूँ तो प्रैक्टिस करते करते आप उसको वहां पर रिलेटिव को फ्रेंड को प्लान दे सकते हो ये भी एक तरीका है ठीक है रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन जो पर्सन मना कर देता है आपको मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है मुझे इस बिजनेस में नहीं आना है तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि भाई शायद ये बिजनेस तेरे लिए नहीं है बट तो मेरे को कुछ अपने दोस्त ऐसे सजेस्ट कर दे जिसको मैं ये प्लान बता सकूं तो आपको लिस्ट बढ़ जाएगी एक पर्सन जो नहीं काम काम का था जो काम नहीं कर रहा था वो आपको बीस जब दस बंदे तो दे ही सकता है दोस्तों में से कुछ निकाल के ठीक है जी उसके बाद यू मे नीड नॉट आपको अभी शायद ये चीज पसंद नहीं आ रही बट कोई बात नहीं आप मेरे को कुछ ऐसे पर्सन सजेस्ट कर दो ठीक है तो ये सारा कुछ आप रिकमेंडेशन रेफरेंस कर सकते हो ठीक है जी अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन इनवाइट करना है प्रोस्पेक्ट को ऑन फोन कॉल्स फोन कॉल पे आप किस तरीके से ठीक है जी आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हो सबसे पहले गुड स्टेट में आपको आना है क्योंकि इनवाइट हम ऐसे नहीं कर सकते अगर हम स्ट्रेसफुल होंगे अगर किसी वजह से हमारे तनाव चल रहा होगा माइंड में को हो को कोई 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 स्ट्रेस होगा किसी वजह को या प्रॉब्लम अभी भी क्रिएट हुई होगी मतलब घर घर वाले हमें, हम से काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम करते हैं अगर घर वालों से किसी तरीके से कोई मतलब ऐसे लड़ाई हो गया या पापा गालियां दे रहे हैं कोई हमने काम गलत कर दिया घर में अगर फिर उस टाइम पे हम इन्वाइट करेंगे नहीं कर सकते इन्वाइट करने के लिए ना आपको एक अच्छी मेंटल पोजीशन में आना पड़ेगा तो लिस्ट आपके पास बन चुकी है अभी आपको इनवाइट करना है ठीक है तरीका आप पीछे वाला कोई भी कर सकते हो एक आपको गुड स्टेट में होना मेंटली इमोशनली हैप्पी होना है काम हो के है ना एक पार्टनरशिप कॉल करने जा रहे हो आप कोई पहाड़ नहीं तोड़ने जा रहे हो आप एक पार्टनरशिप ऑफर करने जा रहे हो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करने जा रहे हो और अपने ड्रीम्स को सोचें कि मैं अगर इनवाइट करूंगा किसी पर्सन को अगर वो मेरे साथ बिजनेस में आ गया तो मेरी लाइफ क्या हो सकती है मेरे मतलब अगर मेरा ये जिसको मैं फोन कर रहा हूं अगर मैं ये ये मेरा डायरेक्ट वाला मैनेजर हुआ ठीक है तो क्या हो सकता है तो गिविंग नेचर में कॉल करें ना कि लेने के लिए कुछ लेने के लिए कॉल ना करें कुछ देने के लिए कॉल करें वो मेंटल अपनी पोजीशन बना ठीक है वो पॉजिटिव एटीट्यूड बना ले कि मुझे किसी को अपॉर्चुनिटी देनी है तो उस वजह उस तरीके से आप बात करना ना कि उस बंदे से आपको कुछ लेना है उस तरीके से आप बात करो ठीक है पहली चीज ये ध्यान में रखनी है दूसरी चीज स्माइल होनी चाहिए ठीक है जी अगर आप आप ये प्रैक्टिकल करके देखना मुझे साइकोलॉजी है प्रैक्टिकल करके देखना अगर आपने किसी दोस्त को फोन लगाया हो और आपके फेस पे स्माइल है ना ऑटोमेटिकली उसके फेस पे स्माइल रहेगी उस टाइम पे अगर आपके फेस पे स्माइल है ना तो उसके ऑटोमेटिकली फेस पे स्माइल आ जाएगी फोन एक करके आप देख लेना ठीक है रियलिटी तो हमेशा स्माइल से कॉल करें अगर स्माइल से कॉल करोगे अगले बंदे का भी मूड स्माइल हो जाएगा अच्छा हो जाएगा है ना तो वो अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा ग्रेटिंग एंड वेल बींग्स ठीक है आप उसको ग्रेटिंग कर सकते हो है ना पहले पूछो हाँ जी भाई क्या हाल है ड्रक नहीं बोलना कि भाई आप ये बात कर रहे हो आप अपॉर्चुनिटी में काम करना चाहते हो अननोन कॉल्स की बात कर रहा हूँ हम लीज को कॉल करते हैं ना तो हमें पहले उसको बोल और भाई क्या हाल है आप ये बोल रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप हेलो राहुल आप राहुल बोल रहे हो तो भाई क्या हाल चाल है कैसे हो आप बढ़िया हो ठीक हो अच्छा मैं विनय बात कर रहा हूँ हमारी बात हुई थी आपने मेरा फॉर्म किया था इस तरीके से आप उसको बात कर सकते करके नहीं है? जैसे उसने कोई रिंग ट्यून लगाई ठीक है।, है कोई कोई है ना और रिंग ट्यून सारे लगाते हैं और रिंग ट्यून जैसे मैंने आपको बताया अप्रीशियशन कितनी जरूरी होती है हर बंदा रिंग क्वालिटी इसी लगाते हैं क्योंकि वो दूसरों को सुनवा सके जो उसको कॉल कर रहा है है ना? तो वहां पे आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो यार बहुत अच्छी है अगर कोई मोटिवेशन सॉन्ग लगाया तो वहां पे आप मतलब तो कि अप्रिशिएट कर सकते हो भाई बहुत अच्छा सॉन्ग लगाया यार आपने ठीक है तो इस तरीके से क्या होगा कि उसको ना थोड़ा सा आप में इंटरेस्ट होगा अगर आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो ठीक है बाकी मेक दी इन्वाइट यूजिंग एनी सिक्स अप्रोच जो पीछे आपको बताई उस तरीके से इन्वाइट कर सकते हो आप ठीक है उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेनी है प्रोस्पेक्ट से ठीक है डेट टाइम वेन्यू ठीक है वो कंफर्म करना आपको कि कितने बजे वेबिनार हो रहा है जैसे कि आपको आप बात कर सकते हो इस तरीके से और कमिटमेंट लेनी है और समराइज करनी है होल का एंड में कि भाई जैसे कि मैंने बात करी थी हेलो राहुल क्या हाल है भाई कैसे हो आप ठीक हो सारे ठीक हो आप तो ना बोलेगा हाँ जी ठीक है जी आप बताओ अच्छा मैं विनय बात कर रहा था भाई आ, मेरे को ना आ, मैंने आपका आपने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था जब मैंने आपको पे मैसेज किया था इंस्टाग्राम मैसेज किया था आपने मेरे को नंबर दिया था तो so, बदल मैं ऐसी ऐसी आपने पूरी बात बतानी है कि अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हूँ सब कुछ करना चाहते हो पर्सन आपका सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद तो उसको बोल सकते हो ठीक है बदल फिर हमारा कल छे बजे वेबिनार होने जा रहा है यूट्यूब के ऊपर तो छह बजे कल आपके पास यूट्यूब ऐप होगी जहाँ मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा तो आपको छह बजे वो अटेंड करना इंपॉर्टेंटली क्योंकि हाइप बनानी है क्योंकि बहुत सारे पर्सन और जो पर्सन वेबिनार देने जा रहा है ना वो पर्सन को नॉर्मल नहीं है उसने लाइफ में क्या किया उसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आप बताओ हाइप बनाओ उसके बारे में ताकि उसको लगे कि यार इस बंदे को सुनना चाहिए इतनी हाइप आप उस बंदे की बना दो और फोन को आपने स्माइल के साथ कट करना ठीक है और अगर आपने उसको कुछ बोला है कि मैं फोन काटने के बाद कोई लिंक वगैरह आपको सेंड करूंगा तो आप जरूर सेंड करें उसको लेट ना करें या मिस ना करें जिससे आपको है ना वो हो सकती है तो और जब आप कॉल करोगे तो एक्साइटेड रहना है आपको और हरी में रहना ठीक है, है जी मतलब दो तीन ज्यादा से ज्यादा आपको थर्टी से फोर्टी या सिक्सटी या एक मिनट बात करनी ज्यादा पूरी बात करोगे फिर वो बात आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा पूछे जाएगा तो आप कभी भी फोन पे सारी बात ना बताओ जस्ट उसको वेबिनार के लिए आपने इन्वाइट करना है अच्छे से ठीक है ताकि वो पर्सन एक्साइटेड हो जाए और स्टोरी थोड़ी सी शेयर करके अपने सीनियर की जिस जो वेबिनार करने जा रहे हैं पोस्टर आपको एक दिन पहले मिल जाता है तो वो पोस्टर के बारे में सर्च करके कि ये कौन है क्या किया उन्होंने लाइफ में क्या इनके पास अचीवमेंट्स हैं सारा कुछ उनके बारे में समझा के आप उनको इनवाइट कर सकते हो ठीक है जी अब लास्ट में जो हमारा टॉपिक है तो मैं इसको जल्दी से कवर अप करूंगा रिक्रूटमेंट ठीक है रिक्रूटमेंट कैसे करें इन्वाइट आपको आ गया तो रिक्रूटमेंट कैसे करें तो रिक्रूटमेंट क्या होती है जी जब आप एक न्यू पर्सन को एक बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट कर लेते हो जब आप एक न्यू पर्सन का न्यू प्रोस्पेक्ट का एएस करवा लेते हो ठीक है उसकी करवा लेते हो तो वो होती है और ये तब हो पॉसिबल हो सकती है जब आप अपना फॉलोअप बहुत तगड़े लेवल पे करोगे ठीक है जी फॉलोअप क्योंकि बोला जाता है बार बार आपको बोला होगा जब आपको भी किसी ना किसी ट्रेनिंग में सुनने को मिला होगा की फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है नाइनटी जो काम है वो फॉलोअप का होता है जो पांच काम है ना वो लिस्ट का इनवाइट का है शोधा प्लान का है बट 95 जो काम है ना वो फॉलो अप का होता है ठीक है जी फॉलो अपनी कंपल्सरी होती compulsory होती है ठीक है जी कंपल्सरी करना ही करना है इसको ये नहीं है कि करें इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये ये कोई चॉइस नहीं है compulsory है मतलब कि अगर फॉलो अप करोगे तभी आपको पर्सन कन्वर्ट होगा ज्वाइनिंग होगी और आप बिजनेस में उसको uh, लेके आ सकते हो ठीक है तो सबसे पहले फॉलो अप कैसे किया जाए पहला पॉइंट यही है कि आपको uh, उस पोजिशन में रहना है कि अगर आप किसी की प्रेजेंटेशन करते हो किसी को वेबिनार लगवाते हैं, उसके बाद उसको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप उसको मिलोगे ना तो तब भी उस बंदे के डाउट्स क्लियर कर पाओगे अगर पॉसिबल है वैसे तो आप सारे ऑनलाइन काम करते हैं कई बार क्या आता है दूसरी स्टेट से कोई बंदा है ना उसको नहीं मिला जा सकता बट मैंने जो बात करी नॉन सर्कल मेन होता है आपको बिजनेस में जल्दी कामयाब करने के लिए तो नॉन सर्कल तो बंदा मिल ही सकता है तो आप उसको जरूर मिलो मिलके उसके डाउट क्लियर करो ठीक है जी क्यों क्योंकि आपको मिलके ही उसकी आ, पता चलना है कि वो बिजनेस करना चाहता है अदर स्टेट, है, है, स्टेट से है तो आप उसको जूम ऐप के ऊपर लेके आओ पर्सनली फोन पे ज्यादा बात ना करो और व्हाट्सएप पे ज्यादा बात ना करो आप उससे वीडियो कॉल में आओ फेस टू फेस उसके सारे डाउट क्लियर करो ठीक है उसको पूछो कैसा लगा क्या समझ आया कितना समझ आया ठीक है और क्या आप चाहते हो लाइफ से फिर क्लियर करो उसको और फिर एक फॉलो अप मतलब मीटिंग करो और मीटिंग में क्या क्यों मीटिंग करनी है थी थी है क्योंकि थ्री थ्री इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो मैं कभी भी फॉर uh, एवर को लेके है ना इतना ज्यादा सीरियस नहीं था उस टाइम पे प्रोडक्ट्स को लेके या नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इतना ज्यादा सीरियस नहीं था मैं सीरियस था तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेके वो क्या चीज थी ठीक है वो चीज ये थी कि आ, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जो मेरे को अपनी लाइफ में आगे लेके जा सके है ना तो इसलिए थ्री पीस इंपॉर्टेंट नहीं होते बट बंदे का फॉलोअप इंपॉर्टेंट होता है उसकी बात को समझना कि यार वो चाहता क्या आखिर लाइफ से उसको इस अपॉर्चुनिटी में मैं क्या दिखाऊं ऐसा कि उसको नीड जो उसकी है जो उसको जिंदगी में चाहिए वो क्लियर हो जाए और वो इस बिजनेस को ज्वाइन करे ठीक है क्योंकि हर बंदा फीलिंग के साथ ज्वाइन करता है हर बंदा चाहता है अपनी लाइफ में बेटर बनना है। हर किसी के अलग अलग गोल्स होते हैं उसके बाद जाके उसको समझ आता है बिजनेस क्या है फिर फॉरअवर उन्हें समझ आती है ठीक है क्योंकि मेजर थिंग क्या है अगर मिलोगे बंदे से बात करोगे फॉलोअप करोगे उसके साथ उसके साथ मीटिंग करोगे ऑफलाइन या ऑनलाइन तो मेजर थिंग वही है कि आपको ज्वाइनिंग लेनी है तभी मिलेगी जब आप उससे बात करोगे दूसरी चीज पीपीटी में आप बोलते हो या वेबिनार में आप हम बोलते हैं बंदा कुछ नहीं बोलता बट जब हम उसको फॉलो अप करते हैं फिर बंदा अपनी राय रखता है अपनी जो उसके दिमाग में चीजें होती हैं वो सारा कुछ उसके बारे में रखता है जिससे उसको आ, समझ आती है जिससे उसको हम समझ सकते हैं कि उसको आखिर चाहिए क्या फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसको चीजें बता सकते हैं ठीक है अगली बात करता हूं ठीक है जी और टाइमली अप ठीक है जी टाइमली फॉलो बहुत ज्यादा जरूरी है ये नहीं है कि आज हमने किसी को वेबिनार लगवाया ठीक है और हम उसको दो दिन के बाद फोन कर रहे हैं या दो दिन के बाद उसको मीटिंग क्योंकि ट्वेंटी फोर हार्स ऐसा टाइम होता है चौबीस घंटे के अंदर अंदर हमें उसको फॉलो अप करना होता है ठीक है हमें क्लोज करना होता है क्योंकि जब हमने इतना कुछ उसको बताया वेबिनार में तो उसके दिमाग में कुछ चीजें जाती हैं और अगर हमने टाइमली एक तो आफ्टर प्लान आफ्टर प्लान ही उसको फोन पे बात करो और उसको जूम ऐप पे आने के लिए एक घंटे के बाद क्या दो घंटे के बाद का समा दे दो अगर वो कहता है मैं बिजी हूं तो सुबह मतलब कि छह घंटे बाद अगर शाम को वेबिनार होता है छह बजे तो आप उसको Uh, सुबह ग्यारह बारह बजे नौ दस बजे या बारह बजे से पहले पहले एक जूम ऐप पे मीटिंग या ऑफलाइन मिलके उससे एक मीटिंग फिक्स कर लो जिससे जो भी उसको पीछे समझ आया याद रहेगा और फिर हम उसके रिगार्डिंग उसको क्वेश्चन कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम और उसको बता सकते हैं जिससे उसका इंटरेस्ट बना रहता है अगर दो चार दिन के बाद करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है उसको सारा कुछ भूल जाएगा वो अपनी फिर से लाइफ जो नॉर्मल जी रहा है उसमें चला जाएगा ठीक है जी और एवरी मीटिंग एंड हर एक मीटिंग जो भी फॉलोअप की जो मीटिंग है वो इस तरीके से एंड होनी चाहिए जहाँ तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाए वो बंदा अपनी आधार बोलेगा ठीक है मेरे को सारे डाउट क्लियर हो गए मेरी ज्वाइनिंग करो मैं आगे काम सीखना स्टार्ट करता हूँ ठीक है जहाँ तो वो बंदा बोलेगा अभी मुझे थोड़ा डाउट है मैं इसके बारे में सर्च करूंगा फिर फिर आप उसको वहां पे नेक्स्ट मीटिंग का टाइम ले सकते हो कि मेरे को एक नेक्स्ट मीटिंग चाहिए ठीक है जहाँ आप उसको बोल सकते हो कि चलो कोई नहीं भाई तो इस चीज के बारे में सर्च करना मैं कुछ लिंक्स वगैरह तेरे को शेयर करूंगा तो उसको भी देखना और फिर हम आज नहीं कल शाम को छह बजे हम एक मीटिंग करते हैं फिर से हम ऐसे जूम ऐप पे कनेक्टेड होंगे अगर कोई बाहर का पर्सन है जहाँ ऑफलाइन है तो हम फिर से दोबारा मिलते हैं भाई तो फिर मैं फिर मेरे को बताना फिर मेरे को और इसके बारे में और चीजें बताऊंगा अभी तो जस्ट तेरे को पाँच से दस बीस परसेंट बताया फॉर बहुत बड़ी चीज है मेरे तो को आगे बताऊंगा मैं इस तरीके से आप उसको नेक्स्ट मीटिंग कर सकते हो और पेशेंस रखनी है आपको ऐसा नहीं है कि आपको है ना कि बंदा जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर जाएगा हर बंदा अपनी लाइफ का जो तगड़ा बंदा होगा ना जिंदगी में अच्छा बंदा होगा वो अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए टाइम लेगा और जो सही बंदा होगा ना वो टाइम लेगा कई बंदे होते हैं एक ही दिन में दो दिन में ए कर जाते हैं ठीक है एक दो दिन में जो बंदा ए करता है ना वो शायद मैं ये जज नहीं कर रहा कर भी सकता है काम बट जो लोग जैसे मैं अपनी अगर बात करूं ठीक है तो मेरे को छह महीने लग गए थे इस बिजनेस को समझते हुए कि मैं इस बिजनेस को आगे लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं है ना छ महीने टाइम लिया मैंने तो मेरे अप्लाई ने पेशेंस रखी है ना उस टाइम पे उन्होंने पेशेंस रखी जब मैंने जब जिनको ज्वाइन करवाया मैंने भी पेशेंस रखी तभी आज वो जाके एक बहुत तगड़े लीडर निकल के सामने आए ठीक है तो दो से चार या पांच मीटिंग्स आपको लगेंगे ही लगेंगी उस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है ठीक है तो क्योंकि प्रोस्पेक्ट का फेत बनते हुए आप पे टाइम लगेगा पहले उसको खुद पे फेथ होगा कि मैं वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ कि नहीं क्या मैं कर सकता हूं ऐसी चीजें जो बताई जा रही है मेरे को फिर उसको आ, है ना आप पे बिलीफ होगा पहले आप पे बिलीफ होगा सॉरी पहले आप पे बिलीफ होगा कि यार ये जो बंदा मेरे को बता रहा है ये सही भी है कि गलत है क्या ये वाकई इतना कैपेबल है कि ये मेरी लाइफ चेंज कर सकता है ठीक है फिर उसको अपने आप पे बिलीफ होगा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ फिर उसको प्रोडक्ट पे बिलीफ होगा कि प्रोडक्ट वाकई सही है कि नहीं है फिर उसको कंपनी पे बिलीफ होगा नहीं यार कंपनी बहुत तगड़े लेवल की कंपनी है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप भी हर बंदा आगे बढ़ता है ठीक है उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बनेगी आप दो, आप लोगों की जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करोगे डेली है ना जूम ऐप पे ऑफलाइन अंडरस्टैंडिंग बनेगी रिलेशनशिप तगड़ा होगा और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना हर मीटिंग के टाइम आपका पर्सन कन्वर्ट होना ही होना है बस आपको पेशेंस रखनी है और काम करते जाना है ठीक है उसके बाद यूज टूल्स एंड प्रोग्राम ठीक है कुछ आप अपना जैसे वाई फ्राइवर की बुक आती है हमारी नाइनटी फाइव की आप वो ऑफलाइन ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं उनको ठीक है व्हाट्सएप के ऊपर जहाँ आप उसको ऑफलाइन भेज सकते हो ठीक है ऑफलाइन पकड़ा सकते हो लेके दे, दे सकते हो कोई चक्कर नहीं है नाइनटी फाइव में अगर एक पर्सन आपके पास आता है बिजनेस करता है स्टार्ट करेंगे उस तो बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है क्योंकि टूल्स और प्रोग्राम्स तब भी काम करते हैं जो अपने आप प्रोस्पेक्ट के साथ नहीं होते हो अगर मैंने कोई विडियो उसको देखने के लिए बोल लिया तो जब वो वीडियो देखेगा मैं अपना काम कर रहा हूँ वो वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो सकता है वो बुक देख के ब्रोचर्स देख के है ना ऑडियो जैसे आगे ऑडियो आप उसे सुनवा सकते हो वीडियो आप उसे दिखा सकते हो राइज ऑफ एंटरप्रनोअर मूवी आप उसके दिखा सकते हो ठीक है और बेस्ट वीडियो रिलेटेड नेटवर्क मार्केटिंग आप उसको दिखा सकते हो है ना बिजनेस टेस्टिमोनीस कितनी पड़ी है उनका सर की मनदीप मनदीप कुमार सर की है ना आप यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी है लड़की है तो साक्षी सिंगला मैन की और बहुत है ना लेडीज हैं जो फॉर के पेज पे डाली गई हैं सक्सेस डे होते थे जो ऑफलाइन वो वाली वीडियोस आप सेंड कर सकते हो प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल सेंड कर सकते हो बहुत तगड़े लेवल पे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जिससे क्या होगा कि आपका बिजनेस है ना ग्रो करेगा उसको नॉलेज मिलेगी और वो है ना खाली काम को देख के वेबिनार को देख के वेबिनार तो जस्ट एक आ, मैं बोलता हूँ एक चीज है जो उसको एक्साइड करेगी कि ये है क्या बाकी नॉलेज तो आपको फॉलोअप के दौरान प्रोवाइड करनी है जिससे बंदा को नॉलेज मिलेगी वाक्य यार ये बिजनेस सही है मैं कर सकता हूँ और फॉलोअप में दम होगा तो बंदा जरूर ज्वाइन करेगा ठीक है और सारी ट्रेनिंग उसको अटेंड करवाओ सारी चीजें उसको अटेंड करवाओ ताकि उसको समझ आए ये बिजनेस आखिर है क्या ठीक है बाकी लास्ट में आपको उसको ना पर्सनल एश्योरेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी दे ज्वाइन यू लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं वो अपनी अपलाइन को ज्वाइन करते हैं ठीक है अपने उस बसन के साथ ज्वाइन करते हैं जो उनको दिखा रहा होता है ये सारा सिस्टम और जब उस पर ट्रस्ट बनेगा जब वो पर्सनल अश्योरेंस अपने देगा कि भाई मैं तेरे साथ हूँ होल हार्टली तेरे को सपोर्ट करूंगा मैं भी यहाँ पे लाइफ बनाने के लिए आयु ये मेरी लाइफ स्टोरी थी मैं ऐसे ऐसे हुआ करता था जब मैं ऐसा था पहले मैंने अपनी जिंदगी में अगर कामयाब होना है होना था तभी मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मैं अपने कामयाब होने के लिए स्टार्ट किया है भाई तू मेरे साथ करेगा हम दोनों भाई मिलकर काम को स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ठीक है और कोई भी झूठ आपको नहीं बोलना है भाई छह महीने में गाड़ी दिलवा देंगे छह महीने में लाख का चेक दे देंगे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ये चीजें ना करना बल्कि सही चीजें बोलना उनको और होल हॉटली सपोर्ट करना और सच्ची नीयत के साथ काम करोगे डेफिनेटली बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा सेल प्लस रिलेशनशिप आपको ये कहा जाता है जैसे मैंने पहले बताया कि रिलेशनशिप और अगर रिलेशनशिप होगा तभी सेल होगी और उसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग एक फॉर्मूला है सेल प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू तो नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना ना तो रिलेशनशिप स्ट्रांग कर लो ठीक है अपनी जो पब्लिक स्किल है वो स्ट्रॉन्ग कर लो पर्सन आपके साथ जुड़ेगा आपके साथ मिलेगा है ना तभी वो सेल होगा ठीक हो है, है आपके पास एक्साइटमेंट और फेथ कंपनी में ज्यादा होना चाहिए प्रोडक्ट नॉलेज चाहे थोड़ी भी है पीएचडी आपको नहीं करनी है जितना आपको बताया जाता उतना थीक है उतना ठीक है ठीक है कॉन्फिडेंट रहना है आपको ठीक है एक्साइटमेंट शो करनी है और फेथ शो करना है आपको तो तभी अगर आप फेथ करोगे इस इंडस्ट्री में तगड़े लेवल पे आपका पूरा बिलीफ होगा पूरे फैक्शन फिगर आपको पता होंगे आप इस बिजनेस में एक्साइटेड होंगे तभी और आप तभी अगले बंदे को एक्साइड कर सकते हो अपने साथ रिक्रूट कर सकते हो ठीक है क्योंकि बड़े ड्रीम्स के साथ काम करने हैं अगर बड़े ड्रीम्स होंगे अगर वाकई आपने सोच अगर आपने सोच रखी है मेरे को मूर्ति स्विफ्ट यहाँ से गाड़ी बाय करनी है फिर तो आप चैलेंजेस से डर जाओगे क्योंकि कोई भी ऐसी स्ट्रगल स्टोरी नहीं है जिसमें चैलेंजेस ना आते हो कोई भी ऐसा मैनेजर जो आज सक्सेसफुल है कोई सीनियर मैनेजर कोई सोरिंग मैनेज सक्सेसफुल है जिसने कभी भी स्ट्रगल ना देखी हो हर बंदे ने स्ट्रगल देखी है कोई भी ऐसे उठ के नहीं आ गया है हर बंदे ने स्ट्रगल किया हर बंदे ने मेहनत किया ड्रीम बड़े होंगे और ड्रीम रियल होंगे फिर चैलेंजेस जितने मर्जी आए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कामयाब होना है फॉरव में फेथ हो गया समझ आ गया तो आप आप ट्राई करते रहोगे ट्राई करते रहोगे तो आपका बिजनेस ग्रो करना ही करना है ठीक है हजारों लोग हैं करोड़ों लोग हैं आपको सिर्फ दो से पांच लोग चाहिए अगर सोरिंग सीनियर मैनेजर बनना है। तो वो तो आपको मिल ही जाएंगे यही चीजें रिपीट 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 करनी है जो आपको मैं बता रहा हूँ ठीक है कहते हैं दिशा सही होगी तभी दशा सही होगी कई लोग क्या कर रहे हैं आज ऐसी दौड़ में मेहनत कर रहे हैं ऐसी चीजों में मेहनत कर रहे हैं जहां पे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला ठीक है नौकरियां लेने के लिए जॉब लेने के लिए बहुत पढ़ते रहते हैं लेकिन नौकरी एक बंदे को फ्री नहीं कर सकती पचास से साठ हजार मैं बोलता हूँ एक लाख रुपया भी दे देगी बट एक लाख रुपया जो जॉब से कमा रहा होगा उसके पास टाइम नहीं होगा बट हमारे पास एक दिशा मिल चुकी है अगर हम यहाँ पे दो साल के बाद भी कामयाब होते हैं ना तो कोई बड़ी बात नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे बट हमारी दिशा सही होनी चाहिए तभी दशा सुधरेगी तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ठीक है और डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने आपको ठीक है जी हाँ फिर कैसा लगा भाई वेबिनार के बाद हाँ भाई करना है या नहीं करना क्या करना फिर भाई जो बताया है तेरे को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है आपको ऐसा पूछना है हाँ भाई क्या चीजें अच्छी लगी फिर तेरे को वेबिनार में फिर वो क्या बोलेगा कुछ नहीं अच्छा लगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता वो बंदा बोलेगा यार ये चीजें अच्छी लगी हाँ ठीक था तो इसी तरीके से आपको आगे आगे बढ़ते जाने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने जिसका जवाब पॉजिटिव में ही आता हो ठीक है कि और भाई देखा कितना देखा यार कितना सही सिस्टम था देखा यार कितना सही चीजें थी बताइए आज अगर भी इस सिस्टम में कामयाब होना चाहता तो भाई स्टार्ट कर ले तेरे को समझ आ जाएगी सारी चीजें ठीक है जी उसके बाद बी आ गुड लिसनर ये सबसे बड़ी बात होती है बी आ गुड लिसनर मतलब कि आपको एक गुड लिसनर बनना है ठीक है जी एक गुड लिसनर बनना है कि हम क्या हमारे में ना एक चीज होती है हम एक प्रोस्पेक्ट को सुनते कम है बताते ज्यादा है कि इसको बताने से ना इसको समझ आ जाएगी बट होता क्या है हमें बेसिकली एक प्रोस्पेक्ट को सुनना होता है लिसन टू हियर नॉट टू रिप्लाई आपको उसको सुनने के लिए सुनना है रिप्लाई करने के लिए नहीं सुनना अगर वो कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है ना तो आप पहले उसको सुनो उसको करो कि हाँ जी ठीक है आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो बट भाई अगर आप इस इसको इस तरीके से सोचो इस तरीके से समझो ये नजरिए से देखो तो ये चीजें ऐसे होती हैं तो फिर आपका प्रोस्पेक्ट जो है जल्दी कन्वर्ट हो सकता है बट अगर आप उसको रिप्लाई करोगे मतलब उसकी बातों को है ना आर्ग्यू करोगे तो वो लूज कर जाओगे प्रोस्पेक्ट ठीक है दे गिव्स यू हिंट वो आपको हिंट देते हैं

नहीं तो नेक्स्ट ठीक है जी क्योंकि लो खत्म नहीं हो रहे हर एक बंदा जिंदगी में कुछ करना चाहता है तो अब न्यू नो क्योंकि नो no से गुजर के ही रास्ता जस्ट तक आता है no नो का मतलब ही होता है जी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगली अपॉर्चुनिटी देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है यही सबसे बड़ी चीज होती है हम ए एस ए एस लेवल पे मार्क आ जाते हैं ना नो नो सुन के ना कई बार फर्स्ट्रेट हो जाते हैं पहले तीन महीने हमें बहुत प्रॉब्लम होती है हम सोचते हैं यार क्या हो रहा है हमारे साथ बट जो हो रहा होता है ना वो आपके लिए सही हो रहा होता है आपके माइंड के लिए सही हो रहा होता है ठीक है तो आपको कभी गिव अप नहीं करना तीन महीने तो आपको प्रॉब्लम होगी होगी है ना जैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं जो स्कूल जाते जाते जब छोटे स्कूल जाते थे पहली बार हमें जैसी फीलिंग आती है ना वैसी फीलिंग आपको यहाँ पे आ सकती है हमें आई हुई है रियलिटी है कि यार मतलब की दिल नहीं कर रहा लेकिन करना है यही चीज है यहीं पे सक्सेस है कहते हैं ना आग ही आग ऑडियो अगर आपने सुनी है तो वहां बोलता वो करना पड़ेगा वो अच्छा नहीं जो अच्छा नहीं लगता वही है तो नेक्स्ट आप नो सुननी पड़ेगी नो no, सुन no के नो से होके ही रास्ता तक जाता है तो यही चीज है नो no, सुन सुन के ही आज इतना कुछ चल रहा है इतना कुछ इतने मैनेजर्स हो रहे हैं इतना चीजें हो रही हैं तो आपको नो no, पे ध्यान नहीं देना नो मीन्स टाइम इज जस्ट नॉट राइट फॉर दैम राइट कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं रहता मैंने वो पर्सन देखे हैं जो बोलते थे मुझे ये करना ही नहीं है लेकिन आज बिजनेस में आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है मार्केट में कोई ऐसी चीजें है नहीं है जिससे वो फॉर वालों का मुकाबला कर सके तो फॉर ही करनी पड़ेगी अगर ऐसी लाइफ चाहिए तो ठीक है यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू मतलब सम विल सम विल नॉट सो वट समन इज वेटिंग सबसे बड़ी चीज है ये दिमाग में बिठा लो सम विल

पच्चीस में मिनट में आप उसको पूछो उसकी सुनो आपनी सुनाओ है ना उसके जो जवाब ऑब्जेक्शन उसको हैंडल करके पॉजिटिव वे से करो है ना कोई आर्गुमेंट नहीं करना कोई ईगो हर्ट नहीं करनी पॉजिटिव रहना है स्माइल करते रहना है आपको तो आपकी जो मीटिंग है ठीक है वो एक बहुत अच्छे तरीके से एंड होगी और आपको पर्सन ज्वाइन करेंगे और आपके साथ रिक्रूट होंगे और आप उस बिजनेस में रिक्रूटमेंट बहुत सही तरीके से कर सकते हो तो बाकी होप करता हूँ आपको मीटिंग मेरी आज की अच्छी लगी होगी ठीक है जी मेरी तरफ से आपको आपको आज इतना ही तो अगर आपको मीटिंग अच्छी लगी है तो आप मेरे को रिव्यूज दे सकते हो ठीक है जी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके बाकी जितना मेरे को एक्सपीरियंस था अपना तीन साल का मैंने अपने लेवल पे बताने की कोशिश की है ना तो होप करता हूँ अगर आप में से कोई भी पर्सन आज है ना इस ट्रेनिंग को सुन के इम्प्लीमेंट करके कल को कामयाब होता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी ठीक है बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल दी वेरी बेस्ट है ठीक है जी सो so, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनि ट्रेनिंग में अगर सीनियर्स मेरी ड्यूटी दोबारा लगाएंगे तो दोबारा आपके साथ मैं किसी और टॉपिक को लेके आऊंगा बाकी आज के लिए ऑल दी बेस्ट है सबको अच्छे अच्छे से समझो काम करो समझ के काम करो अपने सपने पूरे करो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है सबको ओके जी थैंक यू